हेलो 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 ऑनलाइन पब्लिक जस्ट कन्फर्म वेदर आई एम ऑडिबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू करना है ना ओके चलो हेलो पब्लिक मैं ऑडिबल गुड आफ्टरनून अरे गुड आफ्टरनून से मेरे को समझेगा कैसे तुमको आवाज आ रहेगा मैं ऑडिबल आवाज आ रही कि नहीं आ रहा है यस सर ओके परफेक्ट ठीक है जस्ट अ सेकेंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स लेट एस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर वी आर डन विद टू चैप्टर्स ये टेडे वी आर डन विदरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर वी विल गो हेड विदेश क्वेश्चन लिट लैटर लेट मी फिनिश अप कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो वंस वी डन विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट विल बी ऑल फाइनेंसिंग डिसीजन डन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और एक पार्ट है और उसके अंदर ग्रुप के अंदर आपको याद होगा कल हमने मार्किंग स्कीम देखा था इंस्टीट्यूट का तो हियर वी गो अप विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चलो शुरू करते हैं मस्ट चैप्टर है इसको और कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं फिर क्या हो रहा है इसको आगे क्या आईपेड है तुम्हारे पास अच्छा आईपैड नहीं आ कॉस्ट ऑफ सुनो वेन यू प्रोक्योर फंड आई टोल्ड यू थ्री ब्रॉड फैक्टर्सिडन तीन ब्रॉड फैक्टर्स है कौन से तीन ब्रॉड फैक्टर्स हैं? जब आप फंड्योर करते हो फंड्स रेज करते हो तो तीन फैक्टर्स मुझे कंसिडर करना होता है मेन मैंने कल थोड़े ज्यादा लिख के दिए थे लेकिन मेन तीन फैक्टर जो कंसिडर करना वो है नंबर फाइनेंशियल रिस्क कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क क्या है यही फाइनेंशियल रिस्क को हमने कल फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्म में मेजर किया था दर इज अ फाइनेंशियल रिस्क कि व्हाट इफ योर ई इज लेसर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आप कवर अप नहीं कर पाए तो क्या होगा अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट रीच नहीं हुआ तो क्या होगा पॉसिबल है ना कि आप ब्रेक इवन रीच नहीं कर पा रहे हो कल हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी लर्न किया था

इंग्लिश में हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स आर नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैथ्स में मैं इसको कन्वर्ट करता हूं दो मिनट रुकना दिस चैप्टर इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल रिस्क कैसे मेजर करते हैं हमने कल एक कंसेप्ट किया था लेवरेज ज के दो एंगल किए थे एक था इनकम स्टेटमेंट के थ्रू था और एक बैलेंस शीट के थ्रू था बैलेंस शीट के थ्रू जो था उसको हम डेट टू इक्विटी रेशो बोले और कुछ रेशोज है लिवरेज को मेजर करने के लिए या फाइनेंशियल रिस्क मेजर करने के लिए रेशो एनालिसिस चैप्टर में आएगा तो इंपॉर्टेंट अमंग देम आर डेट सर्विस कवरेज रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये सिखाए नहीं मैंने ये रेशो एनालिसिस चैप्टर में आएंगे अगर याद होगा तो वो रेशो एनालिसिस में तो फाइन हर कोई रिस्क मेजर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो टेक्निक चाहिए ना भाई साहब विदाउट टेक्निक आई कैनॉट मेजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स और तीसरा जो फैक्टर है वो है डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल वेन यू रेज अ फंड बाय ऑफ अ इक्विटी कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ओवर द कंपनी रिड्यूस्ड ऐसा नहीं कि चला जाता है लेकिन जब एडिशनल इक्विटी से रेज कर रहे हो तो कंट्रोल चला जाता है, तो तीन पे मुझे कम रहेगा क्यों सबसे कम रहेगा डेट का रिस्क ही कम रहता है उनको इसलिए एक्सपेक्टेशन कम है एक्सपेक्टेशन आर डिपेंडेंट ऑन वॉट एक्सपेक्टेशन आर डिपेंडेंट ऑन रिस्क रिस्क कौन कम लेता है डेट वाले इक्विटी वाले लोग बोलते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क अलग है हम रिस्क अभी इन्वेस्टर रिस्क बाई होम इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर क्या रिस्क ले रहे हैं वो रिलेवेंट है समझा गया तुम अगर इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो वह रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा एक्चुअल रिटर्न भगवान जाने राइट तुम सी ए कोर्स कर रहे तुम्हारा रिस्क ज्यादा है तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है एक्चुअल रिटर्न देखेंगे टाइम विल टेल अस एक्चुअल रिटर्न रिटर्न क्या होगा कितना होगा कितना आएगा कब आएगा देखते तो डेट के केस में मैंने क्या बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोएस्ट व्हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोएस्ट दो चीजें एक तो रिस्क डेट वाले लोगों को कंपेरिटिवली कम रहता है रिस्क अंडरटेकन बाय इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन अ डेट इज लोअर सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोएस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजन प्राइमरली टू रीजन लो रिस्क और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डेट के ऊपर जो आ, क्या बोलते हैं इंटरेस्ट आप पे करते हो ये इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मिलता है उसका इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर स्क्रीन फ्रीज हो गया लैग नहीं रे यहां पर ठीक दिख रहा है है क्या लैग अटक गया है क्या यहां पे तो चल रहा है ठीक से अटक गया है? अभी चल हो गया ना वापस स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या हा फ्रीज हो गया बराबर बराबर अच्छा ओके okay, मैं दिख रहा हूँ ऐसा बोलो ना फिर अभी इसको क्या करेंगे यार ये लेट मी सी मेरे को करने आता आएगा मेरे को ऐसा आता है मेरे को लैपटॉप थोड़ा थोड़ा इंटरनेट मतलब तो अपना कंप्यूटर आता है ना अपने को सीखो ना थोड़ा सा बजाऊंगा ना इधर एक दिन जस्ट सेकेंड ट्राई करता हूँ आ गया क्या देखो नहीं है क्या पब्लिक है यार तुम नाउ इट शुड बी डन कंप्लीटली होपफुली स्क्रीन आना चाहिए वापस ओके सो आफ्टर दैट टेक्निकल ब्रेक वी रिज्यूम हाँ तो तीन फैक्टर्स हमने कंसिडर करने चाहिए फाइनेंशियल रिस्क कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल वो बोला मैंने अब मैंने बोला कि डेट के लिए क्या होता है सबसे लोएस्ट कॉस्ट होता है क्योंकि नंबर वन रिस्क लो होता है और नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेट के केस में जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसका आपको मिलता है टैक्स शील्ड बिना टैक्स शील्ड की तो बात नहीं चलेगी ना इक्विटी वगैरह के लिए जो आप पेमेंट करते हो या प्रेफरेंस के, के केस में जो पेमेंट करते हो उसका टैक्स शील्ड नहीं मिलता है क्योंकि दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज अ एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ वॉट डिविडेंड राइट तो डेट का कॉस्ट सबसे कम रहेगा इक्विटी का कॉस्ट हाइएस्ट रहेगा हाइएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी फॉर इक्विटी बिकॉज रिस्क जो इक्विटी इन्वेस्टर्स लेते हैं वो सबसे ज्यादा है लेकिन अभी मेजर कैसे करना है मेजरमेंट करने के लिए दो चीजें हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ ये चैप्टर क्या है मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो ज्ञान मैंने दिया उसको गोली मारो क्या करना है मेजरमेंट दो पार्ट्स में करना है दो कौन से पार्ट है एक है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नोन एज वॉट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा आता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ऑल सोर्सेस पुट टुगेदर, नॉट ओनली वन सोर्स ऑल द सोर्सेस पुट टुगेदर इज नोन एज व्हाट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इसको फैंसी लैंग्वेज में वैक बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पहले हमें स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल लर्न करना है और फिर हमें मेजर करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल। बट ये मेजर करने के लिए लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन स्पेसिफिक कॉस्ट। मुझे अभी मैथमेटिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक्सप्रेस करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकिन एक्सपेक्टेशंस को मेजर कैसे करें हाउ डू वी मेजर लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली आई एम गिविंग यू ब्रॉड प्रिंसिपल यही प्रिंसिपल से डेट के लिए फॉर्मूला क्रिएट करूंगा प्रेफरेंस के लिए फॉर्मूला क्रिएट करूंगा इक्विटी के लिए फॉर्मूला क्रिएट करूंगा देखो प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल इज इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंटायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल्स अगर आप डीसी करते हो तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर करने के लिए कुछ डीसीएफ अप्रोचेस है और कुछ नॉन डीसीएफ अप्रोचेस है हमारा सिलेबस जो है वो ज्यादा डीसीएफ अप्रोचेस के ऊपर फोकस करता है नॉन डीसीएफ भी सिलेबस में है डीसीएफ अप्रोच क्या बोलते हैं सुन लो कॉकरोच नहीं है ये ये डीसीएफ अप्रोच है क्या होता है इस अप्रोच के हिसाब से डिस्काउंटेड कैश फ्लो हम बोलते हैं प्राइस ऑफ अ सेट Price of asset. That asset can be bond. That asset can be equity share. That asset can be uh, real estate property. That asset can be a business entity. So it can be anything. Anything which generates a cash flow. So whenever you want to invest in a shares or bonds or a real estate or a business entity why are you investing? why are you paying the price? the reason why you are paying a price is because you are expecting to generate some cash flows in the future. if there are no cash flows, you will not invest. if there is no salary to chartered accountants, or there is no income that a ch can earn legally, you will not come here from tomorrow. Sir, so, basically, you are paying for a price because you are going to expect something in the फ्यूचर तो ये डीसीएफ अप्रोच बोलता है प्राइस ऑफ असेट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट फ्यूचर कैश लोज डिस्काउंटेड एट डिस्काउंटेड एट व्हाट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटेड एट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डू यू अंडरस्टैंड दैट डिस्काउंटेड एट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो अब आपको क्या समझना है इसमें से इसमें से आपको समझना है देखो तीन चीजें प्रेजेंट वैल्यू सिंपल आप कैसे रखना इसको हमने एक मेमोरी टेक्निक दिया था प्रेजेंट वैल्यू प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज तो फ्यूचर कैशलॉज को मैं बोलता हूं एफ क्या हो गया ग्रीन कलर किधर गायब हो गया नया कलर किधर आ रहा है आ, आ जस्ट हाँ तो फ्यूचर कैशलॉज को मैं बोला एफ उस एफ की मुझे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है उसके लिए मेरे को चाहिए डी डी बोले तो डिस्काउंट रेट और वहां से आएगा पी डी एफ प्राइस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश्लोस डिस्काउंटेड एट सर्टन रेट ऑफ रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो बच्चो डी है ना वो डी है डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर्डल रेट ये अलग अलग नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्या क्या नाम बोले मैंने डिस्काउंट रेट हर्डल रेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कुछ आपको नाम देना है दे सकते हैं सो दिस आर बेसिकली इट्स बेसिकली डिस्काउंट रेट दैट वी वांट टू फाइंड सो अगर मुझे करंट प्राइस पता है और मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज पता तो नहीं होते एस्टिमेट करना पड़ता है सो फ्यूचर कैश कैश्लोज एफ इज फॉर वॉट फ्यूचर कैश फ्लोज समझ में आया बच्चों एफ इज फॉर फ्यूचर कैश फ्लोज एफ इज फॉर फ्यूचर कैशलॉज पी इज फॉर वॉट प्रेजेंट वैल्यू पी इज फॉर प्रेजेंट वैल्यू तो अगर फ्यूचर कैशलॉस का एस्टिमेट आप कर पाओगे ऑब्वियसली वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम है कहां से मालूम रहेगा प्रेजेंट वैल्यू प्राइस में रिफ्लेक्टेड रहेगा तो ये जो डीसीएफ अप्रोच है ना ये क्या करता है मालूम है ये बोलता है भाव भगवान छ भाव में सब कुछ रिफ्लेक्टेड है प्राइस रिफ्लेक्ट एवरीथिंग दैट इज अजम्पन दैट इज अजम्पन ऑफ वॉट दिस डीसीएफ अप्रोच प्राइस इज रिफ्लेक्टिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स अब ये करेक्ट है या गलत है डिपेंड्स मतलब दैट इज सब्जेक्टिव ओपिनियन सी ये डीसीएफ अप्रोच एक अप्रोच है मेजर करने का आई एम नॉट दिस इज दी ओनली अप्रोच बहुत सारे केसेस में आप डीसीएफ अप्रोच फॉलो ही नहीं कर सकते हो टू बी वेरी फ्रैंक क्यों बहुत सारे केसेस में प्राइस मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता क्योंकि वो चीज मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रही है इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन डालने चाहिए इंस्टीट्यूट थोड़ा लिख के डालो ना प्लीज बच्चों को मजा आएगा हम क्या बोल रहे हैं प्राइस इज रिफ्लेक्ट मतलब प्राइस इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश कैशलोज बट भाई साहब शेयर अगर अनलिस्टेड है तो

प्रॉक्सी अप्रोच इन सच ए केस क्या वर्ड यूज किया मैंने बोलो बोलो प्रॉक्सी प्रॉक्सी का मतलब क्या है प्रॉक्सी अप्रोच मुझे किसी एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है लेकिन वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो मैं सिमिलर कंपनी जो है उसका क्या करूंगा डेटा ले लूंगा सिमिलर कंपनी सेम कंट्री में हो सकती है दूसरे कंट्री में हो सकती है तो कुछ तो आपको देखना पड़ेगा तो सिमिलर डेटा आपको कहीं कही ना कहीं मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर वैल्युएशन कर रहा हूं आ, इंडिया के अंदर ओला इलेक्ट्रिक का वैल्युएशन करना चाहता हूं ओला का भी आईपीओ आने वाला है बहुत जल्दी जल्दी से जल्दी आ जाए तब पैसा कमा के निकल जाए शेयर होल्डरों सो ओला आई होप यू नो ओला दो है उसका ओला कैब वाला बिजनेस अलग है ओला इलेक्ट्रिक वाला बिजनेस अलग है मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं अभी ओला इलेक्ट्रिक आज के तारीख में तो लिस्टेड नहीं है आपको अगर ओला इलेक्ट्रिक का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करना है आप बोलेंगे क्यों करना है मेरे को आएगा इसका आप अभी आपके लिए मार्क्स चाहिए इसलिए करना है एग्जाम में मार्क्स चाहिए इसलिए करना है ओला इलेक्ट्रिक के लिए मैं क्या करूंगा उबेर का डाटा ले सकता हूं या BYD का डाटा ले सकता हूं BYD चाइना में लिस्टेड है टेस्ला इज लिस्टेड इ... उबर क्या बोला मैंने सॉरी आई सेड उबर राइट उबर नहीं टेस्ला I need to take a data of Tesla. Tesla is a EV manufacturer. I hope you know Tesla. If you don't know, please uh, get lost. Tesla, Tesla का valuation क्या है? वो मैं consider कर सकता हूँ. Tesla का मैं proxy data ले सकता हूँ. तो बहुत सारे cases में आपको ये DCF approach क्या करना है सकते है? DCF approach आप apply नहीं कर पाते. तो आप दूसरे किसी company का data लेके proxy approach कर सकते हो. तो ये हमारे exam का DCF approach है. में प्राइस इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश क्लोज क्लियर हो गया सबको इसके हिसाब से हम क्या ढूंढने वाले कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर वी स्टार्ट विद एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला दो तीन चीजें याद रखना पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट इन रूपीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो एक्सप्रेशन करना है वो रूपीज में नहीं करना है वो परसेंटेज में करना है परसेंटेज में करना है सो so, परसेंटेज में करना है क्यों इट्स अ मैटर ऑफ कन्वेंशन बिकॉज आप कंपेयर नहीं कर सकते ना एक कंपनी मैंने बोला रिलायंस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज थ्री करोड़ रुपीज विच वन इज मोर कॉस्टली विच वन इज हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यू कैनॉट जज ऑन द बेसिस ऑफ रूपीज कंपेरिजन शुड बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सो ये हो गया नंबर वन नंबर टू स्ट ऑफ कैपिटल जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इज ऑन पर एन एम बेसिस कन्वेंशन है तो परसेंटेज जो हम लिखेंगे वो परसेंटेज पर एन एम लिखेंगे पर मंथ या पर क्वार्टर नहीं लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ए परसेंटेज पर एन एम एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आफ्टर टैक्सशील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर इंसिडेंटल कॉस्ट कुछ समझा क्या मतलब इंसिडेंटल कॉस्ट मतलब जब आप फंड्स रेज करते हो तो फंड रेजिंग के कुछ खर्चे होते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट उस फ्लोटेशन कॉस्ट का भी आपको टैक्सशील्ड मिलता है तो वो टैक्सिल्ड आपने कंसिडर करना चाहिए और शील्ड कंसिडर करने के बाद जो परसेंटेज आए वो परसेंटेज हमने डिस्कस करना चाहिए वी शुड नॉट टेक अ परसेंटेज अबाउट व्हाट? वी शुड नॉट टेक अ परसेंटेज और वी शुड नॉट टेक अ टैक्स ऑफ डिविडेंड वी शुड टेक अ शील्ड ओनली ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट एंड अदर इंसिडेंटल कॉस्ट इंसिडेंटल कॉस्ट का मतलब क्या बोला मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट ठीक है तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चलो हम क्या करेंगे मैं आपको ये भाव भगवान छे वाला जो अप्रोच है वो भी बोलेगा और बाकी के अप्रोचेस भी एक्सप्लेन करेगा इक्विटी के लिए आपको बाकी का एक अप्रो एक दो अप्रोचेस और आपके सिलेबस में है बाकी सारा ये भाव भगवान छे उसमें ही अपना काम है और प्लस अपने उसके अंदर भाव भगवान छे के ऊपर एक चीज़ और ऐड करना चाहिए आईसीआई भगवान के ऊपर क्या होता है भाव भगवान के ऊपर और कोई भगवान का हायर लेवल भगवान में सबसे हाईएस्ट लेवल क्या होता है भगवान का भगवान है काइंड ऑफ थिंग क्योंकि आईसीआई so, भी हमारा कुछ ऐसा ऐसा क्रिएटिव चीजें करेगा गॉड फादर जो बोलना बोलो यार सो सुनो अभी मैं पहले जा रहा हूं कॉस्ट ऑफ डेट की तरफ ये आपको प्राइसिंग का प्रिंसिपल क्लियर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ओके okay, जिनको अभी भी समझा नहीं है डीसीएफ में आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ता है डीसीएफ स्टेटमेंट कैसे रहता है ईयर कैश फ्लो हम कैश फ्लो लेंगे मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारा सिलेबस कैश फ्लो ही नहीं लेगा हमारा सिलेबस लेगा अर्निंग्स पर शेयर या इंटरेस्ट ठीक है हम टेक समथिंग क्लोज कैश फ्लो एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ समथिंग देयर फॉर वॉट प्रेजेंट वैल्यू तो आपके पास क्या है फ्यूचर के कैश फ्लो के एस्टिमेट्स है और ये जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आता है टोटल इज अ प्राइस अगर मुझे ये प्राइस मालूम है ये कैश फ्लोज मालूम है मुझे तो मैं ये प्रेजेंट सॉरी uh, मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या करना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा आई नो प्राइस आई नो कैश फ्लोज आई डोंट नो डिस्काउंटिंग फैक्टर लॉजिकली ये डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर आपको समझ में आ रहा है ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को ढूंढने के लिए हम जो अप्रोच यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर अप्रोच और फैंसी लैंग्वेज अगर थोड़ा सा यूज करूं क्योंकि अभी आप फास्ट ट्रैक कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं आई आर अप्रोच इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैंसिल करा हाँ तो हमें क्या मालूम है कैश फ्लोज मालूम है प्राइस मालूम है लेकिन क्या चीज मालूम नहीं है डिस्काउंट रेट वो डिस्काउंट रेट मुझे ढूंढना है तो डिस्काउंट रेट ट्रायल एंड एरर अप्रोच से ढूंढना होता है आईआरआर निकालना होता है इंस्टीट्यूट ने इनकेस ऑफ डेट इन ऑफ आई आर आर वी यूज इवन फैंसी वर्ड फॉर डेट वॉट इज अर्ड वाई टी एम टू तो मॉडिल में उन्होंने भी दिया हुआ है डरना मत वाई टी एम इज नथिंग बट आई आर आर जस्ट एक चीज होता है, कि आता है और एक आपको उसको इन टू वन माइनस टी करना पड़ेगा टू गेट वाई टी एम आफ्टर टैक्स तो मैं पहले जा रहा हूं किधर कॉस्ट ऑफ डेट की तरफ लेट मी डिस्कस कॉस्ट ऑफ डेट फर्स्ट डेट का मतलब क्या है द मनी इज बेसिकली रिपेबल बट हमारे सिलेबस में इिडीमेबल डेट का भी फॉर्मूला है इिडिमेबल नहीं है बेसिकली डेट रिडीमेबल है डेट मतलब जो पैसा आपको वापस देना होता है और जब तक आप वापस नहीं देते तब तक आपको पीरियडिकली एक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है इंटरेस्ट को ही इंग्लिश में कूपन बोलते हैं तो इफ कूपन रेट आता है तो बच्चा बोलता है क्या है ये कूपन रेट मींस इंटरेस्ट रेट अब देखो डेट दो टाइप का डेट है रिडीमेबल और दूसरा है इन सुनना ठीक से डेट दो टाइप का बोला मैंने रिडीमेबल डेट खुश आप सर डेट आया कहां से रिडीमेबल या परपेचुअल जो बोलना है बोलो कहां से आया पूछना मत मेरे को कोबल डेट आया कहां से मालूम नहीं है मुझे मैं जो अप्रोच आपको बता रहा हूं वो अप्रोच ही लेकिन अप्रोक्सीमेशन आएगा ये जो भी मैं लिखने जा रहा हूं ये फॉर्मूला परफेक्टली करेक्ट नहीं है लेकिन आपको एग्जाम में कुछ नहीं दिया तो यूज करना है करेक्ट फॉर्मूला अगर चाहिए तो आपको ये जो मैंने अभी बोला ना आपको आपको आपके पास कैश फ्लोज है डेट के केस में कैश फ्लोज इंटरेस्ट रहता है जब आप डेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप द कैश फ्लोज यू आर गोइंग टू अर्न इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ले लो डेट का प्राइस ले लो और आपको आई आर आर ढूंढना पड़ेगा इनस्टेड ऑफ आई आर आर वी कॉल इट एज वॉट बोलो इनस्टेड ऑफ आई आर आर वी कॉल इट एज वाई टी एम ईल्ड टू मैच्योरिटी समझा तुमको तो वाई टी एम अप्रोच भी आ सकता है एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं लिखा एग्जामिनर साइलेंट है तो इफ एग्जामिनर इज साइलेंट देन यू कैन यूज द फॉर्मुलाज दैट आई एम एक्सप्लेनिंग ना देखो रिडीमेबल डेट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ डेट डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट ठीक से सुनना interest का कभी कभी रेट लेना पड़ता है कभी कभी इंटरेस्ट की अमाउंट लेनी पड़ती है डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन हाउ इट इज फ्रेम्ड कभी कभी क्या करता है एक ही डिबेंचर का डेटा देते हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हो एक डिबेंचर का ही अमाउंट लेके सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो आप लेकिन कभी कभी आपको टोटल बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ता है कब लिसन अब अगर एग्जामिनर ने फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है लेकिन वो पर डिबेंचर नहीं दिया टोटल बेसिस पे दिया आपके पास दो चॉइसेस है टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट को पर डिबेंचर कन्वर्ट करके सारा चीज पर डिबेंचर कर लो या सब कुछ टोटल बेसिस पे करो प्लीज बी अवेयर बिकॉज आई हैव सीन द स्टूडेंट्स मेकिंग क्लासिक क्लासिक मिस्टेक्स ऑन दिस you should take either the total interest or you should take per debenture interest ha hai na i ka frame cover nahi ho raha hai ara kya kiya hai atul ne aaj is funk atul ka number hai tere paas जस्ट अ सेकंड हाँ समझ गया मेरे को कुछ तो प्रॉब्लम है बोला था उसको ये नहीं आएगा मेरे को कॉस्ट ऑफ डेट किलने के लिए आइदर आई शुड टेक द कैलकुलेशन ऑन टोटल बेसिस इंटरेस्ट का अमाउंट अब टोटल सारे डिबेंचर्स का ले लो सारे लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट लो या पर डिबेंचर ले लो बी कंसिस्टेंट तो मैं यहां पर इंटरेस्ट ले रहा हूं आइदर पर डिबेंचर और टोटल इनटू वन माइनस टी ठीक से सुनना दो फॉर्मुलाज है ये मेरा एन्युअल कॉस्ट है एक साल का लेने का है क्यों एक साल का लेने का है अभी, अभी मैंने ऊपर लिखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी टेकन ऑन वॉट बेसिस पर एनएम सो टेक इंटरेस्ट पर एनएम इंटू वन माइनस टी बेसिकली फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट आफ्टर आफ्टर टैक्स जस्ट अ सेकेंड ही करना है आज अतुल हाँ आईपैड का गड़बड़े कुछ तो कट हो गया पहले फ्रीज हो गया तभी कट हो गया सो इंटरेस्ट इनटू वन माइनस टी ले लिया मैंने वन माइनस टी समझा तुमको वाई वन माइनस टी वाई वन माइनस टी फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट आफ्टर टैक्स शील्ड प्लस मैंने अभी अभी ऊपर क्या लिखा था वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेक कॉस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड एंड आफ्टर इंसिडेंटल कॉस्ट इंसिडेंटल कॉस्ट कौन से फ्लोटेशन कॉस्ट डिबेंचर्स जो होते हैं उनसे फंड्स रेज करने के लिए आपको ब्रोकरेज अंडर कमीशन पे करना होता है एडवर्टीजमेंट करना होता है तो द अमाउंट दैट यू रिसीव एंड द अमाउंट दैट यू पे बैक देर इज अ गैप बिटवीन द टू फ्लोटेशन कॉस्ट और बाकी के रिडम्शन के भी ऊपर भी प्रीमियम हो सकता है सी मैंने सौ रुपए का डिबेंचर है फेस वैल्यू हंड्रेड रुपीज है मैंने इश्यू किया उसको नाइनटी रूपीज पे अब दस रुपया क्या है दस रुपया मैंने डिस्काउंट दे दिया डिचर कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट हंड्रेड रुपीज इज अ फेस वैल्यू मैंने डिबेंचर इशू किया नाइनटी पे लेकिन मेरे जेब में नाइन्टी नहीं आता है इश्यू प्राइस 90 है इसका मतलब ये नहीं कि आपके जेब में 90 आएगा क्यों फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा अंडर राइटर का पैसा देना पड़ेगा कमीशन देना पड़ेगा तो 90 में से लेट अस अज्यूम दो रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट है टू रुपीज बच गया कितना बोलो बोलो 88 88 क्या है रे

ज ऑफ फेस वैल्यू इट इज नॉट अ परसेंटेज ऑफ इश्यू प्राइस और नेट प्रोसीड तो हंड्रेड रुपीज तो के ऊपर टेन परसेंट मैंने वापस किया कितना वापस किया मैंने हंड्रेड एंड टेन आर यू क्लियर तो मेरे जेब में आया कितना था 88 एट एट इज अट प्रोसीड एंड्रेड एंड टेन आई गिविंग बैक बॉसीज इज माई कॉस्टेंटी टू रुपीज इज माई कॉस्ट हाउ डू आई कैल्कुलेट दट आर वी आर वी इज अम्पन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स बट प्रॉब्लम क्या है ये कॉस्ट जो ट्वेंटी टू रुपीज की कॉस्ट मैंने बोली वो एक साल की नहीं है वो पूरे डिबेंचर्स के टेन्यूअर की है डिवाइड बाय इज अ क्यूर ऑफ डिबेंचर्स नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट आरवी प्लस एनपी अपॉन टू एवरेज अमाउंट है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज है मैं आज मैथ्स में नहीं जाना चाहता हूं ये फास्ट ट्रैक है रेगुलर लेक्चर्स में आपको मैंने इसका लॉजिक एक्सप्लेन किया रहेगा ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है परफेक्ट नहीं है हाफ फार्मूला है क्यूं? ये क्यों ये फॉर्मूला सब केसेस में चलता ही नहीं है मेरे को सिर्फ एक अटेम्प्ट एक क्वेश्चन फ्रेम करने का मौका चाहिए इंस्टीट्यूट ये फार्मूला सारा बच्चा रट लेता है लेकिन इसको यही मालूम नहीं रहता कि यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स इफ दे आर रिडीमेबल इन लमसम तभी चलेगा मतलब मैंने डिबेंचर्स आज इश्यू किए और मैं प्रिंसिपल अमाउंट पांच साल के बाद ही वापस कर रहा हूं बीच में मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूं लॉजिकली नहीं डिबेंचर्स बी रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट कुछ ना कुछ पैसा आप इंस्टॉलमेंट में रिपे करोगे यह फॉर्म्यूला कब चलता है दिस फॉर्म्यूला वर्क ओनली इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन लमसम और ये आरवी माइनस एनपी अपॉन एन जो पार्ट है उसका भी टैक्स शील्ड मिलता है तो हमने लॉजिकली उस पार्ट को भी वन माइनस टी से मल्टीप्लाई करना चाहिए लेकिन क्या है पास्ट के कुछ क्वेश्चन अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट के जो आ, लोग थे विम्जिकली कभी वन माइनस टी से मल्टीप्लाई करते थे कभी वन माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं करते थे ये वाले पार्ट को पहले वाले पार्ट को हमेशा मल्टीप्लाई करते थे सेकंड वाले पार्ट को वो थोड़ा सा उस, उसने क्या पिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट uh, था विद पार्डन माई वर्ड्स इंस्टीट्यूट लेकिन मेरी भावनाओं को समझो आप शब्द को थोड़ा इग्नोर करो भावना समझो आप अभी मॉडल में उन्होंने लिखा है स्टूडेंट कैन यूज एनीथिंग ऑफ द टू जो मॉडल है इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट मॉडल है कलर बदल के आया हुआ है कवर पेज का तो उसमें उन्होंने लिखा है इसको वन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा इसको मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा दोनों आंसर्स मतलब दोनों लिखा है नीचे क्वेश्चंस सॉल्व किए उन्होंने नहीं मिलेंगे वो नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने ये लिखा है स्टूडेंट कैन यूज एनी ऑफ द टू फॉर्मूला विल द स्टूडेंट बी गिवन मार्क्स फॉर एनी ऑफ द टू आई अजू यस तो थोड़ा सा आपने पिछले जन्म में कितने पाप किए थे उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं वन माइनस टी मल्टीप्लाई करके चलने वाला हूं लॉजिकली वन माइनस टी से मल्टीप्लाई करना चाहिए पुराने जमाने में नहीं करते थे सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन जो बंदा पेपर सेट कर रहा है उसके पास कितना नॉलेज है ये अज्यूम करना कि वो नॉलेजेबल है हमेशा ये गलत है तो थोड़ा लक वाला पार्ट भी इन्वॉल्व होता है तो अगर आप कभी फेल हो गए तो सारे के सारे बच्चे लक की वजह से नहीं फेल होते बहुत सारे बच्चे अपने कम एफर्ट्स की वजह से फेल होते हैं तो वन माइनस टी का नोट प्लीज लिख के आना कि वी हैव मल्टीप्लाइड आरवी माइनस एनपी अपॉन एन बाई वन माइनस टी अल्टरनेटिवली वन में नॉट मल्टीप्लाई और दुआए करना कि मार्क्स मिल जाए इन टू हंड्रेड करना मत भूलना यह फॉर्मूला कब चलेगा डेट रिडेमशन इन लमसम डेट रिडेमशन इन लमसम इंस्टूट बदल जाएगा धीरे धीरे हमारा प्लान चालू है आपने दो साल पहले प्लान किया था कि आपने एक नया इंस्टीट्यूट इस देश में लाओगे क्या हो गया उसका तो लाओ ना, राम मंदिर भी आ गया भी, तो वो भी लाओ इंस्टीट्यूट कुछ तो एक आ, 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 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट लॉन्च करने वाले थे तो थोड़ा वन माइनस टी ये ऐसे जो प्रॉब्लम क्या होता है ना इससे दर्द क्या है ना मेरा यार बच्चा पूरा पहले स्टेप में कॉस्ट ऑफ डेट में तुम गलत गए

प्रॉब्लम इंडिविजुअल का नहीं है प्रॉब्लम सिस्टम का है सिस्टम चेंज करना चाहिए एक साल में ऐसा सिस्टम चेंज नहीं होता ये आई का जो प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है ना वही मेरे को फ्लॉ लगता है एक साल में हर साल नया प्रेसिडेंट आता है उसको जब तक चीज समझ में आए तब तक वो टाइम खत्म होता है आने के बाद दो तीन महीने सिर्फ उनका वेलकम में चला जाता है अभी कल से वेलकम 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 चालू होगा उनका फिर आखिरी के दो तीन महीने इलेक्शन में जाते हैं उनके बीच के दो तीन महीने थोड़ा मतलब टाइम पास नहीं दे काम करते काम सी आई इज डूइंग अ वेरी वेरी गुड वर्क फॉर मेंबर्स इन माई ओपिनियन मतलब जो एकेडमिक काम है बट स्टूडेंट्स के लिए दर इज अज ह्यूज इंप्रूवमेंट दट इज रिक्वायर्ड सो कॉस्ट ऑफ डेट दिक्कत है अगर इंस्टॉलमेंट आए तो प्लीज प्लीज फॉर्मूला यूज नहीं करना है करना क्या है वाई टी एम अप्रोच सिखाता हूं हैबल डेट सच में डेट कभी इिडिमेबल रहता नहीं है लेकिन अगर आपको आर वी और एनपी के बीच में गैप जीरो है मतलब सेम है दोनों डेट मतलब क्या है जितने प्राइस पे इश्यू किया उतना ही तुमको वापस देना है लाइक लोन लोन मैंने लिया था पचास लाख का वापस भी कितना देना है पचास लाख लोन में ऐसा कभी डिस्काउंट ऑन लोन प्रीमियम ऑन रिडेमशन ऑफ लोन ये कंसेप्ट नहीं रहते लोन में भी बच्चों नेट फ्लोटेशन कॉस्ट रहता है

तो कभी ये मत समझना कि पचास लाख का लोन लिया तो आपके जेब में पचास लाख आएगा वो पचास लाख के लोन में से प्रोसेसिंग फी कटेगी और क्या कटेगा स्टैम्प ड्यूटी कटेगा बोलते सर क्या सर कुछ भी फेंक रहे सर वो तो पैसा पचास पूरा आता तुमको ड्यूटी अलग से पे करना पड़ेगा ना फिर नेट बेसिस पे तुम्हारे जेब में पचास नहीं आता पचास आ भी गए तो भी ड्यूटी तुमको अलग से पे करना पड़ेगा तो नेट बेसिस पे नेट प्रोफिट हमेशा कम रहते लेकिन सीए कोर्स में मैंने इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक स्टैंप ड्यूटी नहीं देखा लोन के, तो हमारे सीए कोर्स में पचास लाख का लोन बोले ना तो आता पचास लाख ही जेब में पचास का पचास आता रिडेम कितना करेंगे पचास का पचास परफेक्ट तो सीए कोर्स में हो क्या गया पचास लाख आया वापस भी पचास लाख दिया तो ये ब्रैकेट ही जीरो जीरो अपॉन एन करके क्या फायदा नीचे भी क्या हो गया आर वी प्लस एनपी अपॉन टू विल बी नथिंग बट एनपी हा ना तो करेगा क्या तुम इिडीमेबल डेट में क्या होता है रिडीमेबल डेट में एन मालूम ही नहीं होता तुमको तो इंटरेस्ट यार ये पेंसिल हाँ पंडरपुर ऐसा मारेगा ना तेरे को मैं वन माइनस अरे ना यार वन माइनस टी अपॉन एन पी तो आरवी वाला पार्ट चला गया आरवी वाला पार्ट क्या हो गया चला गया इरिडिमेबल डेट दे दिया तो ऐसा फॉर्मूला यूज करने का आई होप एवरीवन अंडरस्टूड विच वांट टू फॉलो इन एग्जाम सर यार, मैंने बोला भी ना एग्जाम में तुम तेरा नाम विषय के इसलिए बजा नहीं रहा बेटा। so <laughs> एग्जाम में प्रेफरेबली वन माइनस और नोट लिख के आना क्या करोगे क्या यार तुम कुछ भी नहीं कर सकते तुमको कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे तो पास ये फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ ये कब का किसका फॉर्मूला डेट रिडीमेबल इन लमसम बट इंस्टीट्यूट में मॉडिल के अंदर एक वाई अप्रोच भी दिया है विच इज नथिंग बट आई आर आर ठीक से सुनना वाई टी एम अप्रोच फॉर्मूला नहीं है टू कैलकुलेट वॉट कॉस्ट ऑफ डेट वाई टी एम अप्रोच टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट वॉट इज वाई टी अप्रोच िटी वी एम ईल्ड टू मैच्यूरिटी लेकिन अप्रोक्सी हमेशा यह आंसर जो आता है ना इससे कभी भी एग्जैक्ट नहीं रहता कभी हमेशा क्या आंसर रहता है अप्रोक्स रहता है अप्रोक्स समझा तुमको अप्रोक्सीमेट आंसर रहता है एग्जैक्ट आंसर तो आना पॉसिबल है ही नहीं एग्जैक्ट आंसर चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा आपको

कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करो या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो कुछ भी करो आंसर वही आता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो तो 950 का आउटफ्लो हो गया शुरुआत में 950 का आउटफ्लो हो गया और मल्टीपल इयर्स में उसको क्या मिलेगा पेमेंट मिलेगा मैं बोलता हूं इंटरेस्ट रेट ऑब्जर्व करना मैं क्या बोल रहा हूं फेस वैल्यू कितनी बोली मैंने नीचे एग्जांपल लिख रहा हूं फेस वैल्यू इज हाउ मच था डिस्काउंट ऑन इशू बोलो फाइव परसेंट एन्युअल रिडेम्शन बोल रहा हूं एन्युअल रिडेम्शन वन बाई फाइव वन फिफ्थ एन्युअल रिडेम्शन है आप बोलेगा कैसे वन फिफ्थ एनुअल रिडेमशन है पांच साल का है मेरे को टेन पांच साल रखना है कूपन रेट मैं लेता हूँ एट परसेंट का एंड टैक्स रेट में लेता हूँ ट्वेंटी फाइव परसेंट नो ऑब्सर हाउ विल कॉस्ट ऑफ डेट इट्स इफ दिस क्वेश्चन कम सब बहुत सारे बच्चों के विकेट गिरेगी और एक पॉइंट है जहाँ पर इंस्टीट्यूट भी गलत कर सकते हैं हाँ बोलेंगे इंस्टीट्यूट क्या गलत कर सकता है सर सुन लो बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये कितने लोगों को समझेगा भगवान जाने हाँ, कोशिश करता हूं मैं यह, मॉडल में दिया हुआ है लेकिन मॉडल में रिडेमशन इन लमसम वाला क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट नहीं है और ये ऐसा जो डिस्काउंट वाला मैंने क्या किया है तुमको अगर समझा मैंने पचास रुपए का डिस्काउंट दिया है द डिस्काउंट इज आल्सो टेक्निकली अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर प्लीज सुनना ठीक से वो डिस्काउंट भी टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है कंपनी के लिए या वो भी इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है एक सिंपल लगाओ इन्वेस्टर ने दिया कितना पैसा 950 उसको मिलने वाला कितना है थाउजेंड रुपीज फेस वैल्यू के टर्म्स में प्रिंसिपल के लिए 950 दिया लेकिन मिलेगा कितना हजार तो जो पचास रुपया वो इन्वेस्टर का क्या हो गया इनकम हो गया या कंपनी की क्या हो गई कॉस्ट तो वो पचास रुपया का आपको क्या मिलेगा डिडक्शन मिलेगा कंपनी को डिडक्शन मिलेगा या इन्वेस्टर को उसका टैक्सेशन होगा अब वो टैक्सेशन कैसे होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा या क्या होगा उसके ऊपर डिबेट है इनकम टैक्स में देर इज समथिंग कॉल्ड एज इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्कलोजर स्टैंडर्ड्स ट्रीटमेंट आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड और आपके सिलेबस में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन आईओएस के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या इंदिरा विकास पत्र या ऐसे बहुत सारे ऐसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स है गवर्नमेंट के उनका टैक्सेशन कैसे होगा उसके अलग अलग सेक्शंस है उसका प्रिंसिपल है मैं अभी यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं अज्यूम कर रहा हूं वो पचास रुपया इक्वली टैक्स होगा वन बाई फाइव वन बाई फाइव वन बाई फाइव वो आप कैसे लोगे उसके हिसाब से आंसर बदलेगा तो सुन लो ईयर वन में क्या होगा ईयर वन में भाई साहब को इंटरेस्ट भी मिलेगा ऑब्जर्व मैं क्या कर रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड है पहले दो सौ रुपए का प्रिंसिपल मिलेगा कैसे दो सौ रुपये हजार का वन बाय फाइव प्लस इंटरेस्ट मिलेगा एट परसेंट एट परसेंट ऑफ थाउजेंड इज एट्टी प्लस एट्टी लिखा मैंने माइनस मैं, मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं टैक्स आपको दो सौ पे नहीं भरना है टैक्स आपको 80 पे ही पे करना है बाउंसर, yes, 80 पे टैक्स कितना पे करोगे कि आप ट्वेंटी फाइव परसेंट या कंपनी को ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स का डिडक्शन मिलेगा 80 का ट्वेंटी फाइव परसेंट बोले तो ट्वेंटी माइनस और आपको टैक्स भरना पड़ेगा और बोले सर किसके ऊपर सर वो जो पचास रुपए प्रीमियम डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ज ए इनकम टू इन्वेस्टर इसलिए मैं पूछ रहा था यार मैं वो पचास रुपया डिस्काउंट है वो डिस्काउंट मतलब कंपनी का खर्चा इन्वेस्टर का एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम पचास रुपए के ऊपर टैक्स भरना है मैं, लेकिन मैं पचास रुपए के ऊपर लमसम में टैक्स नहीं भर रहा हूं मैं पचास रुपए को भी इक्वली स्प्रेड कर रहा हूं तो पहले साल का इनकम कितना टेन नो यू कैन स्प्रेड इन समर रेशो ऑल्सो आई ऑल्सो नो करेक्ट आंसर ऑल्सो आई नो बट यहां पर बखना उसका कैलकुलेशन करना है आईसीडीएस एक्सप्लेन करना इनकम टैक्स मेरे को नहीं इंटरेस्ट नहीं है टेन रुपीज इज ए इनकम ऑफ द फर्स्ट टेन रुपीज के ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स टू पॉइंट फाइव बाउंड सर बच्चा बोलता है सर वो टेन रुपीज तुमने ऐड नहीं किया लेकिन टेन रुपीज के ऊपर का टैक्स तुमने ले लिया अरे गधे वो टेन रुपीज अरे गधे अरे कस्टमर टेन रुपीज है ना वो आ गया है वो दो सौ रुपए में जब मैं ईयरली दो सौ रुपया लेने वाला हूं ना प्रिंसिपल तो दो सो में दस रुपया आ गया है समझा तो पहले साल का इनफ्लो कितना होगा तुम्हारा टू हंड्रेड प्लस एटी माइनस ट्वेंटी माइनस टू पॉइंट फाइव टू फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव एज एवरी वन अंडर सेवन पॉइंट फाइव Year two, year two में आपको प्रिंसिपल 200 मिलेगा वापस इयर टू के एंड में लेकिन इंटरेस्ट थाउजेंड के ऊपर नहीं मिलेगा इंटरेस्ट विल बी ऑन ओनली 800 क्योंकि एट हंड्रेड क्योंकि एट परसेंट आया 8 बोलो 64 यार मेरा पेंसिल क्यों नहीं चल रहा है यार 64 माइनस 64 के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा 64 के ऊपर 15 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट माइनस टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव रहे टैक्स ऑन डिस्काउंट या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो कंपनी के से ना उसको आपको दिखाना पड़ेगा समझा क्या तुमको ये क्वेश्चन आना चाहिए इंस्टीट्यूट प्लीज कॉपी करो क्वेश्चन फिगर चेंज करके तुमको क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूं मैं फिगर चेंज करो वर्ड चेंज करो और प्लीज एजम्शन मेरे जैसा ही करना फिफ्टी तो रुपीस इक्वली स्प्रेड कि वो एजम्पन चेंज हो या तुम एक काम करो तुम डिस्काउंट डालो मत क्वेश्चन में बोला, 245 point, 3, 200, अरे बोला अमाउंट टू फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री टू हंड्रेड वॉट इज टू हंड्रेड अरे वॉट इज टू हंड्रेड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कम कम होते जाएगा बोलो फोर्टी एट माइनस वॉट माइनस टू पॉइंट फाइव टू थर्टी ये इनफ्लो आ रहा है बच्चों वेरी गुड चलो अभी क्या करना है आपको ईयर फोर और ईयर फाइव करना है वो टैक्स समझा ना मैंने टू पॉइंट फाइव कहां से लाया टेन रुपीज इज अ इनकम ऑफ ईच ईयर ऑन दैट टेन रुपीज ट्वेंटी फाइव परसेंट हंड्रेड प्लस थर्टी टू माइनस थर्टी टू के ऊपर कितना आएगा एट तुमको अगर समझा होगा तो हर साल वो सिक्सटीन रुपीज से कम हो रहे हैं बोलो टू ट्वेंटी वन पॉइंट और ईयर फाइव में भी टू हंड्रेड प्लस हाउ मच वन सिक्स क्या माइनस हाउ मच माइनस आई होप एवरी वन गॉड इट थैंकू दिस कैशलो आफ्टर टैक्स अब एनीथिंग आउट ऑफ दिलेबस इफ यू आर थिंकिंग आउट ऑफ दिलेबस यू आर रॉन्ग यह आपको सिखाया नहीं होगा सिखाया होगा आजमशन कैन चेंज अबाउट हाउ दट डिस्काउंट विल बी टैक्स मेरा अजम्शन इक्वली का है समबड़ी कैन अज्यूम डिस्काउंट विल टैक्स इन द रेशो ऑफ फाइव इज टू फोर इज टू थ्री इज टू टू इज टू वन इन द रेशो ऑफ द फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग दैट अजम्पन कैन ऑल्सो बी मेड मैंने अजम्पन किया है डिस्काउंट इज चार्ज टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर इक्वली और डिडक्शन इज अवेलेबल टू कंपनी इक्वली फिफ्टी रुपीज इज इक्वली स्प्रेड ओवर फाइव इस अब क्या करना है अभी आ गया सिचुएशन देर इज आउटफ्लो एट द बिगिनिंग तो इन्वेस्टर ने शेयर खरीद डिबेंचर खरीद लिया नौ सौ पचास में और उसको फ्यूचर में इनफ्लो मिलने वाला है नाउ यू हैव टू फाइंड सच अ डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो ये डिस्काउंट रेट ढूंढना कैसा है डिस्काउंट रेट ढूंढना है आर आर अप्रोच मतलब ट्रायल एंड एरर हमें ऐसा डिस्काउंट रेट चाहिए जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लोज ज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो अब करेंगे कैसे सोल्व इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर मेरे को लग रहा है पहले देखो मटका मारना है ट्रायल एंड एर हमें चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो जिंदगी में कभी जीरो नहीं आएगा कभी भी नहीं आएगा इट इज अज्यूम डेट यू नो आई आर आर कैलकुलेशन फास्ट ट्रैक है मतलब ये नहीं है कि तुमको कुछ भी मालूम नहीं है तो ट्रायल एरर आठ टका डिस्काउंट रेट था आठ में से पच्चीस तक माइनस करो टेको नहीं कैल्किटर एट एट इज अ इंटरेस्ट रेट माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्सिल्ड का सिक्स आ गया लेकिन थोड़ा ऐड करना होगा डिस्काउंट की वजह से डिस्काउंट का कॉस्ट है ना कंपनी के लिए तो उसका थोड़ा ऐड कर लिए तो मैंने सात पे पहला मटका मारना कर हूँ आप बोले कहां से डिसाइड किया ऐसे ही मेरे को फीलिंग आया वन परसेंट का तुमको दूसरा फीलिंग आया तुम तुम्हारे को जो लगता है करो मैं सेवन पे पहला मटका मार रहा हूँ और प्रेजेंट वैल्यू कर रहा हूँ डिस्काउंटिंग फैक्टर वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो सेवन इज इक्वल टू वन देन पॉइंट नाइन थ्री फोर देन पॉइंट एट सेवन थ्री फोर देन पॉइंट एट वन सिक्स टू देन पॉइंट सेवन सिक्स देन पॉइंट सेवन वन टू नाइन आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस दिस आर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हैव यू अंडरस्टूड डिस्काउंटिंग फैक्टर्स बच्चों अब क्या करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे करते जाओ इसको बोलते हैं हम नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑटोमेटिकली आउटफ्लो माइनस हो गया ऊपर gone doing इट जल्दी जल्दी करो बोलो ना प्रेजेंट एल्यू एनपी कितना है हो रहा है तुम्हारा ऑनलाइन पब्लिक तुम भी बोलो थर्टीन पॉइंट टू नाइन अंकुश इजियर कैलकुलेटर नहीं यूज किया ना तूने थर्टीन पॉइंट टू नाइन थर्टीन पॉइंट टू नाइन पॉजिटिव आया नेगेटिव आया पॉजिटिव आया ओके सुन लो अब क्या करना है ये मैंने कैश कैशलॉस कैसे लिख रहे पहले मैंने आउटफ्लो लिखा और फिर बाद में मैंने इनफ्लो लिखा मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया मैंने आई डिड नॉट डू दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है आउटफ्लो फॉलोड बाई इनफ्लो इन्वेस्टमेंट में अगर आपने अभी हमको क्या चाहिए एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए और एक निगेटिव चाहिए ये पॉजिटिव आया थर्टीन पॉइंट टू नाइन पॉजिटिव आया सो लेट मी डू द डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ टेन परसेंट तो निगेटिव आएगा कैसे जब आप डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे तो एनपीवी विल कम डाउन डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू वन एंड नाइन फिफ्टी वन नाइन फिफ्टी आई होप एवरी वन अंडरस्टुड चलो वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो पॉइंट eight two six four it is assumed that you know how to calculate the present value factors or discounting factors point seven, seven five three. point six eight three zero, six eight three zero point six two, six two zero nine i hope everyone understood this what are these these are discounting factors multiplied by two fifty seven point five ऐसा करके आपका एनपीवी आएगा दिस एनपीवी विल भी निगेटिव मैंने रेट इंक्रीज किया बिकॉज इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट सिचुएशन फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव I hope everyone understood 56.25. फाइव हर एक को समझ में आएगा 56.25, 56.25 पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आया होगा हमको क्या चाहिए हमको ऐसा डिस्काउंट रेट चाहिए जहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है तो हम ढूंढ लेंगे उसको आई आर करके तो मैं क्या बोलता हूं डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था पहले द डिस्काउंटिंग सेवन परसेंट एट सेवन परसेंट एनपीवी वॉज पॉजिटिव राइट तो मैं क्या बोलता हूं इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट बाई थ्री परसेंट सेवन से हमने कितने पे लेके गया टेन पे लेके गया ना हम डिक्रीज इन एनपीवी इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज इन एनपीवी कितना एनपी पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया 69.54 का डिक्लाइन हुआ हमें इतना डिक्लाइन नहीं चाहिए था वी वांटेड एनपीवी टू बिकम जीरो सो 13.29 का ही डिक्लाइन होना चाहिए था तो उसके लिए हमने कितना डिस्काउंट रेट इंक्रीज करना चाहिए बोलो वी शुड इंक्रीज डिस्काउंटेड बाय हाउ मच पॉइंट फाइव सेवन थ्री थ्री सो देर फोर आई आर आर इज इक्वल टू कितना तुम्हारा सेवन प्लस पॉइंट फाइव सेवन थ्री थ्री दैट इज सेवन पॉइंट फाइव सेवन थ्री थ्री परसेंट आफ्टर टैक्स है क्योंकि मैंने हर जगह पे टैक्स ऑलरेडी माइनस किया था ऊपर तो तो in तो आप in आपको शॉर्टकट वाला फॉर्मूला दे दिया अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला दे दिया हा है ना अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला है वो मैंने तुमको दे दिया था ये वाला सो so, This is formula of approximate cost of debt. Do you understand approximate cost of debt? Approximate cost of debt kab aayega are when will you get approximate cost of debt? Approximate cost of debt will be in case of debt redeemable in lump sum. Clear hai sabko अगर debt redeemable in instalment है, तो आपको compulsory यही formula करना पड़ेगा plus plus. अगर आपको YTM approach बोला, तो भी यही करना पड़ेगा। ऊपर वाला फॉर्मूला चल ही नहीं सकता यह भी डीसीएफ ही है बट डीसी के अंदर अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला सीखा हमने और एक वाई टी एम अप्रोच वाला फॉर्मूला सीखा चलो ठीक है लुक एट दिस नो बहुत बार क्वेश्चंस में क्या होता है या कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते टाइम पे आपके डेट का लिस्टिंग ही नहीं हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पे डेट लिस्टेड है ही नहीं तो प्राइस ऑफ द डिबेंचर मालूम ही नहीं है मालूम ही नहीं है प्राइस ऑफ द डिबेंचर तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे क्या वाई चल रहा है वो लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम बोलते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी रिस्क फ्री पे कितना चल रहा है प्लस क्रेडिट स्प्रेड क्या वर्ड क्रेडिट स्प्रेड इज इक्वल टू आर रिस्क फ्री रेट प्लस क्रेडिट स्प्रेड मैंने कंसेप्ट तो मैं एक्सप्लेन किया रहेगा ब्रैकेट में लिखा के वन माइनस टी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आना चाहिए एग्जाम में बस ऐसा बच्चा आग फेल क्योंकि नहीं सीखते आदित्य बिरला ग्रुप का तो हिंदल नीड्स टू रेज अ फंड्स आज उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्विजिशन बड़ा अनाउंस किया स्टॉक की लग गई है तो उनको एक्विजिशन करने देर बाइंग आउट माइनिंग कंपनी फॉर अराउंड थर्टी

हिंडाल को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रेडिट रेटिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं सोवेरीन क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट का बोलते हैं हम सोवेरीन बोलते हैं यहां पे सॉल्वेंट नहीं बोलते बोलते हम हैं गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रेडिट रेटिंग अच्छा है किसका क्रेडिट रेटिंग खराब है गवर्नमेंट से कंपेरिजन टर्म्स में हिंदाल को तो क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है हाई प्लीज लिसन केयरफुली poor the credit rating higher the rate of interest poor the credit rating higher the rate of interest to hindalco ka credit rating kya hai poor hai to isliye hindalco ko kya karna padega jo rate of interest pay karna padega wo zyada high rahega as compared to whom government ha हाँ na तो risk free rate right now India में चल रहा है For example, एट परसेंट एट परसेंट मैंने ले लिया व्हाट इज एट परसेंट रिस्क फ्री रेट गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकिन मैं बोलता गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सॉवेरिनको का क्रेडिट रेटिंग क्या है पुअर है इसलिए हिंडाल मोर we'll को बोलते हैं गैप गैप ड्यू टू डिफरेंसेस इन क्रेडिट रेटिंग हिंडलको का क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट से पुअर है इसलिए हिंडालको को ज्यादा पे करना पड़ेगा अभी कितना ज्यादा दैट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट रेटिंग तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा या कुछ तो हिंट दिया रहेगा कि फॉर दिस दिस क्रेडिट रेटिंग आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और लड़े से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आता है एंड विल हैव टू पे कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आ गया तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी तुमको मालूम होना चाहिए तो क्रेडिट स्प्रेड कैसे देते मैं आपको बोलता हूँ फाइव परसेंट अब एग्जाम में क्या देगा वो बोलेगा क्रेडिट रेटिंग ऐसा टेबल बना के देगा तुमको क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड तो मैं बोलता हूं ट्रिपल ए सबसे अच्छा क्रेडिट रेटिंग रहा ट्रिपल ए रहा तो क्रेडिट स्प्रेड कुड बी पॉइंट थ्री परसेंट डबल ए उसको थर्टी बिप्स बीपीएस थर्टी बेसिस पॉइंट पॉइंट थ्री परसेंट इज थर्टी बेसिस पॉइंट आई होप एवरी अंडरस्टूड तो ये जो क्रेडिट स्प्रेड बेसिकली है ये क्या है इट्स अ फॉर तो एक्स्ट्रा है, वो रिस्क हिंडाल यावर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रेट है वो एट परसेंट है तो जो ट्रिपल ए है उसका क्या आएगा इफेक्टिव रेट एट पॉइंट थ्री परसेंट इसका एट पॉइंट सिक्स ऐसे दिया रहेगा और क्वेश्चन में देंगे हिंडालको का क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग रेटिंग लिमिटेड का इस अगर आ गया तो डरना मत चांसेस कम है लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड किया था तुमको अगर समझा अप्रोचेस नॉन अप्रोच में मैंने क्या किया बच्चों रिडीमेबल रिडीमेबल एंड परपेचुअल किया मैंने समझा ना रिडीमेबल के लिए मैंने क्या किया और बस दो पार्ट्स किए थे लमसम एंड वट इंस्टॉलमेंट लमसम और लमसम के लिए फॉर्मूला है और वाई टी एम अप्रोच भी लगा सकते हो आप इंस्टॉलमेंट में अगर है तो आपको कंपलसरली क्या करना पड़ेगा वाईटीएम दूसरा कोई ऑप्शन जो दिया था नॉन डीसीएफ में भी हमने क्या किया फॉर्मूला लगाया क्या फॉर्मूला लगाया फॉर्मूला क्या किया मैंने आर एफ आर एफ इज अर इन रिस्क फ्री रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे क्या रेट चल रहा है प्लस क्रेडिट स्प्रेड क्वेश्चन में दिया रहेगा विच इज नथिंग बट अ रिस्क प्रीमियम क्रेडिट स्प्रेड और इसको इंटू वन माइनस टी किया तुमने इंटू वन माइनस टी क्यों किया अरे बोलो आफ्टर टैक्स करने के लिए मैंने इनटू वन माइनस टी कर लिया आई होप एवरी वन अंडरस्टूड दिस कॉस्ट ऑफ डेट दिस इज हाउ विल गेट कॉस्ट ऑफ डेट अब एग्जाम में कौन सा आएगा क्या आएगा देख लेना वन माइनस टी मल्टीप्लाई करने के लिए नोट लिखना नीउट ऑन ऑफ डेट बहुत बचकर रहना सिर्फ प्रॉब्लम कहा क्लैरिटी के साथ नहीं देते डेट डेट क्लियर है तो प्रेफरेंशियस हो गया क्यों प्रेफरें क्या करना है इंटरेस्ट के जगह पे सिर्फ पीडी लिखना है और वन माइनस टी को गायब करना है क्योंकि प्रेफरेंसेस में जो डिविडेंड आता है या जो भी कॉस्ट होती है वो डिडक्टिबल नहीं होती है प्रेफरेंसेस इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्ट दिस मजा कब आएगा जब एग्जामिनर वाई टी एम पूछे या एग्जामिनर ये पूछेगा तुम ही रहोगे जो पास हो जाओगे आई होपो तुमको याद रहे डरना मत अरे कुछ मुश्किल नहीं है यार ये अब वाई टी एम बहुत सारे लोग पहली बार सुना होगा ऑनलाइन पब्लिक जो देख रहा होगा पहली बार सुना होगा जिंदगी में सो so, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंस क्लियर ओके कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं आप यहां पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो अलग अलग फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सिर्फ के पी बोलेंगे हम के पी पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पी इधर डिबेट नहीं है वन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है प्रॉब्लम ही नहीं है प्लस आर वी माइनस एनपी एनपी मतलब नेट प्रोसीड आज अगर हमने डिबेंचर इश्यू किए या प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तो हमारे जेब में कितना आएगा नेट प्रोसीड्स कैसे आता है इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके इंस्टीट्यूट प्लीज नेट प्रोसीड्स प्रोफिट यू कैलकुलेट शुड बी विथ रेफरेंस टू करंट प्राइस आज अगर हमने इश्यू किया डिबेंचर्स का तो कितना आएगा कभी कभी क्वेश्चन में इश्यू प्राइस दिया रहता है तो इश्यू प्राइस जो दिया उसके हिसाब से लेते हैं नेट प्रोसीड्स आएगा कैसे देखो एनपी इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस वॉट फ्लोटेशन कॉस्ट और बोले प्राइस में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है नहीं रे इशू प्राइस इज फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट या इश्यू प्राइस कैन बी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम लेकिन इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा इश्यू प्राइस का क्वेश्चन में लॉजिकली इश्यू प्राइस देना चाहिए नहीं दिया इश्यू प्राइस तो तुमको अजम्पशन लिखना पड़ेगा संबडी क्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू संबडी क्राइस इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस वो तुम्हारे लक का एलिमेंट है क्वेश्चन देख के तुम थोड़ा जजमेंट करने का कि व्हाट शुड बी टेकन एज इश्यू प्राइस what should be taken as issue price depends so rV minus nP upon what n upon n number of years number of shares na year n is number of years whole thing divided by rV plus nP upon 2 into 100 into 100 for what परसेंटेज परपज हा नेक्स्ट एवरी वन इज क्लियर दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला प्लीज अंडरस्टैंड इश्यू प्राइस के बारे में आजमशन लिखना मत बुलना इंस्टीट्यूट प्लीज बच्चों को इश्यू प्राइस देते जाओ या लिखते जाओ इश्यू प्राइस इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस तो प्रॉब्लम कहां पर आता है वो क्वेश्चन देते हैं ऐसे नीचे मार्केट प्राइस भी लिखा रहता है बट दैट मार्केट प्राइस इंस्टीट्यूट समटाइम्स समटाइम्सिडर फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो पार्ट है एक है स्पेसिफिक कॉस्ट जो हम भी लर्न कर रहे हैं इसके बाद हम क्या लर्न करने वाले हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज के लिए दो अलग अलग एंगल्स है बुक वैल्यू अप्रोच एंड मार्केट वैल्यू अप्रोच तो नीचे क्वेश्चन में बहुत बार मार्केट प्राइस दिया रहता है लेकिन इंस्टीट्यूट करता क्या है दैट मार्केट प्राइस आवर बिलवर्ड इंस्टीट्यूट कंसिडर्स फॉर वेटेड एवरेज नॉट फॉर स्पेसिफिक तो मैं दुआ करता हूं आपके लिए प्रे करता हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या है क्लैरिटी के साथ आए क्या बोल रहे थे गंगा माता को प्रणाम करता हूँ हाँ वापस जाके दर्शन करके आता हूं तो तुम्हारा ये ऐसे प्रेयर करने से अगर पास होते थे ना और आईसीआई बदलता था ना तो मैं पहले दिन ही से ही वहां पर वहां पर जाके मैं डुबकिया लगाऊंगा जितनी चाहिए उतनी कि आईसीआई का बदल दो भाई ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट को ऐसे प्रणाम करने से अगर कुछ नहीं होता है इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूट ह्यूमन राइट वायलेशन इट्स वेरी सैड केपी इज इक्वल टू पी डी प्लस ए प्लस नहीं अपॉन एनपी खत्म अब ये क्या किया तुमने ये रिडिमेबल प्रेफरेंशियस है कहां से आए पूछना मत और अगर प्रेफरेंशियस रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट दिए क्वेश्चन में तो वाई टी एम अप्रोच प्रेफरेंशियस रिडीमेबल इन वॉट इंस्टॉलमेंट फॉर्मूला है, है? नहीं। क्या नहीं कौन क्या करोगे आप YTM approach. YTM approach. JICI, It's sad रहे. मेरा से कोई गुस्सा नहीं है लेकिन है, यार. देते नहीं है यार. वो क्या करते है? टिपिकल क्वेश्चन आता है कंपनी स्ट्रक्चर डिबेंचर्स amount, preference shares amount, equity shares amount और नीचे market prices दिए रहते हैं और इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ डेटा दिए रहते अब स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए शेयर की इश्यू प्राइस क्या होगी सॉरी ये पर, ओके अच्छा और एक चीज ये प्रॉब्लम इक्विटी शेयर्स के के लिए लिए नहीं आता है। ये लिए आता ये प्रॉब्लम सिर्फ डिबेंचर्स है क्योंकि इक्विटी शेयर्स का उनका जो फॉर्मुला है ना उस उसमे में ही वो करंट प्राइस लेते हैं इक्विटी शेयर्स को फेस वैल्यू नहीं लेते प्रॉब्लम आता है सिर्फ डिबेंचर्स को तो मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि आपके एग्जाम में जो भी आप एग्जाम दोगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्लैरिटी के साथ आना चाहिए नहीं आया तो तुमको अजमशल लिख के आना पड़ेगा अल्टरनेटिव नहीं है ये चैप्टर में ये हो गया तुम्हारा खत्म इज़ ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब इक्विटी के केस में क्या है ना एस्टिमेट का बहुत जरूरत है एस्टिमेट का बहुत जरूरत है क्यों एस्टिमेट का बहुत जरूरत है क्योंकि के केस में इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है मालूम है फिक्स इंटरेस्ट हाँ ना प्लस फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी कितना मिलने वाला है वो भी मालूम है किस केस में प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड भी मालूम है लेकिन क्या मालूम नहीं है इक्विटी क्या है इक्विटी के, के केस में में फ्यूचर कितना मिलेगा मालूम ही नहीं है गारंटी है क्या कुछ कमिटमेंट कुछ ऑब्लिगेशन कंपनी ने दिया क्या नहीं तो इसलिए इक्विटी के लिए बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस एग्जिस्ट करते हैं यहां पर मैंने डेट के लिए ओके okay, प्रेफरेंस के लिए भी प्रॉक्सी अप्रोच आप लगा सकते हो ये वाला प्रॉक्सी चीज लगाना है तो इक्विटी के लिए बहुत सारे अप्रोचेस एग्जिस्ट करते हैं पहले हम डीसीएफ अप्रोचेस की बात करेंगे मैं तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहा हूं एक जो है वो अपना आईसीआई का ही क्रिएशन है दुनिया में मैंने कहीं देखा नहीं है इसको यूज करते हुए एक्सेप्ट आईसीआई बुक्स या ऐसे बाकी इंस्टीट्यूट भी होंगे कुछ जो इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो या इंस्टीट्यूट उनको फॉलो कर रहा होगा हो ये नहीं मालूम मुझे कौन किसको फॉलो करता है तो पहले डीसीएफ अप्रोचेस हम ले लेंगे थियोरटिकली कुछ भी सिखाना है इसलिए सिखाते हैं डीसीएफ अप्रोच ठीक ठाक है ओके नॉट बैड दूसरा जो है ना वो बहुत ही खतरनाक अप्रोच है कॉस्ट ऑफ इक्विटी रियलाइज ईल्ड अप्रोच ये क्या है रियलाइज ईल्ड अप्रोच बोलता है पास्ट में जो शेयर ने रिटर्न दिया दैट इट सेल्फ इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी यार से भी चीक, चीक बोलता है पास रिटर्न आर नॉट गारंटीड और पास रिटर्न इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न रियलाइज ईल्ड मतलब हम क्या बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इज इक्वल टू द द गिवन बाय शेयर इन द लास्ट थ्री इयर्स लास्ट फाइव इयर्स लास्ट टेन इयर्स फॉर एग्जाम्पल हम पास्ट का पांच साल का डेटा देख के हम बात कर रहे हैं किसके बारे में फ्यूचर के बारे में कितना गलत है ये जो है ना ये सारा सर झूठ है और तीसरा है सीएपीएम अप्रोच कैपिटल प्राइसिंग मॉडल ऐसे तीन अप्रोचेस आपके सिलेबस में हैं डीसीएफ अप्रोच रियलाइज अप्रोच एंड सीएपीएम अप्रोच कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल उसमें से सीएपीएम ही अच्छा है उसका नोबेल प्राइज मिला हुआ है डीसीएफ भी ओके okay, ओके okay. प्राइमरी लेवल पे डीसीएफ क्या बोलता है अभी अभी मैंने बोला प्राइस ऑफ द शेयर इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्यूचर कैश फ्लोज मतलब क्या लेने का हमारी इंस्टीट्यूट या यहां पर दो एजम्पन्स लेके चलती है आइदर डिविडेंड और अर्निंग्स पर शेयर फ्यूचर कैश फ्लोज आर टेकन एज आइदर डिविडेंड पर शेयर और वॉट अर्निंग्स पर शेयर तो हम इसको बोलते हैं ये जो बेसिकली ये

एंड ग्रोइंग कॉन्स्टेंट परपेचुटी में क्या आता है प्रेजेंट अल पर नमाउंट यू कैन टेक एनी अमाउंट क्योंकि कॉन्स्टेंट परपेचुटी है ना हा डिवाइडेड बाय बोलो डिवाइडेड बाय फर्स्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट या टीवीएम रेट अगर आपको याद होगा आप इसको एक्स अपन आय करते थे फाउंडेशन में एक्स अपन आई पीरियडिक अमाउंट को पीरियडिक अमाउंट फर्स्ट अमाउंट जो बोलना है बोलो यार आप लोग इसको एक्स बोलते थे पीरियडिक अमाउंट को और इंटरेस्ट रेट को आप बोलते थे आय ये हो गया तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला कॉन्स्टेंट परपेचुटी का फॉर्मूला मैं पहले कॉन्सटेंट परपेचुटी का फॉर्मूला सिखा रहा हूं तुमको और दूसरा और एक फॉर्मूला आपने सीखा था सी फाउंडेशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी विच वॉज अगेन फर्स्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस द ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट माइनस व्हाट ग्रोथ रेट ना हाँ, समझा सबको फर्स्ट अमाउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट अब ये फॉर्मूला दिमाग में रखो ये फॉर्मूला लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नहीं है ये फॉर्मूला प्राइस का है प्रेजेंट वैल्यू इज प्राइस राइट अब कैश फ्लो क्या लेना है कैश फ्लो कैन बी टेकन एज आइदर डिविडेंड पर शेयर और कैश फ्लो कैन बी टेकन एज अर्निंग्स पर शेयर इट कैन बी एनी थिंग टू एनी थिंग आईदर यू कैन टेक अर्निंग्स पर शेयर और यू कैन टेक वॉट डिविडेंड पर शेयर देखो मैं क्या कर रहा हूं जस्ट ऑब्जर्व वॉट आई एम डूइंग प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली प्राइस ऑफ द शेयर मैं बोल रहा हूं पी जीरो

आए ना। तो अगर आपने ऑब्जर्व बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या वर्ड डिस्काउंट मॉडल प्राइस ऑफ द शेयर शेयर एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज सो कुछ समझा गया अगर आप इसके जगह पर कौन सा मॉडल लेते हो अर्निंग पर शेयर वाला मॉडल लेते हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी जीरो इज इक्वल टू पी एस वन अपॉन के माइनस जी अगर ग्रोथ नहीं रहेगा तो माइनस जी गायब कर दो बस इफ देर इज अ नो ग्रोथ सिचुएशन यू जस्ट रिमूव अब बच्चो ये जो है ना यहां से हम क्या करेंगे प, हमको पी जीरो नहीं चाहिए दिस इज अ फॉर्मुला फॉर पी जीरो आई डोंट वॉन्ट पी जीरो बॉस आई वॉन्ट वॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबको क्लियर है क्या हमको क्या चाहिए के ई e चाहिए के ई e. तो मैं क्या करूंगा के ई विल बी इक्वल टू डी पी एस वन अपॉन पी जीरो प्लस जी डिड यू गेट इट तो पहले क्या करना है बच्चों डीपीएस वन अपॉन पी जीरो वो एक नंबर निकालो वेट वेट सबसे बड़ा दिक्कत क्या है सुनो मैं बोलता हूं डिविडेंड पर शेयर इज फाइव एंड प्राइस ऑफ द शेयर इज फोर्टी ग्रोथ रेट इज फोर परसेंट ग्रोथ रेट इज फोर परसेंट सुनो बच्चा करता क्या ऐसा मस्त मस्त कितना बोला मैंने फाइव प्राइस कितना बोला फोर्टी प्लस ग्रोथ कितना बोला मैंने फोर परसेंट बच्चा फोर परसेंट ऐसा फोर एड करता है और लिखता है फाइव अपॉन फोर्टी प्लस फोर कर रहे फाइव अपॉन फोर्टी बोल कितना था फाइव अपॉन फोर्टी पॉइंट वन टू फाइव प्लस फोर बच्चा लिखता है 4.125 इतना मारेगा ना तेरे को मैं मैं तो मारेगा एग्जाम तो देगा मार्क खाना अच्छा है ना बेटा ये 5 फोर परसेंटेज पॉइंट जीरो फोर फाइव अपॉन फोर्टी ऑलरेडी परसेंटेज है वो मैथमेटिकली समझो 5 अपॉन फोर्टी इज वॉट अरे उनको करना क्या होगा फाइव अपॉन फोर्टी प्लस फोर परसेंट है ना तो फोर परसेंट पॉइंट फोर तो वो आता कितना है तुम्हारा पॉइंट फोर वन टू आएगा ना नहीं पहले कितना था तुम्हारा फोर्टी नहीं पॉइंट वन टू फाइव था वो ओके पॉइंट वन टू फाइव था प्लस पॉइंट जीरो फोर आंसर बिल्ड पॉइंट वन सिक्स फाइव दैट इज हा समझ में आयो कई सबको समझा हम्म और एक चीज कभी कभी फ्लोटेशन कॉस्ट देते जो प्राइस लेना चाहिए ना तुमने दैट प्राइस यू शुड कंसिडर आफ्टर डिडक्टिंग फ्लोटेशन कॉस्ट तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया तो क्या करोगे तुम के ई इज इक्वल टू डी पी एस वन अपॉन पी जीरो माइनस एफ प्लस जी तो एफ क्या करोगे आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे हा है ना

वन और डीपीएस जीरो वो पढ़ना पड़ेगा तुमको क्वेश्चन में कौन सा डीपीएस दिया है डीपीएस जीरो दिया या डीपीएस वन दिया है? वो ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ता मेरे को डीपीएस कौन सा है डिविडेंड पर शेयर तो बोलो क्या करेंगे डीपीएस वन निकलेगा कैसे डीपीएस वन इज बेसिकली डीपीएस पी जीरो आज का डिविडेंड प्लस ग्रोथ प्लस ग्रोथ या इनटू टू वन प्लस जी इंटू वन प्लस जी पांच परसेंट ग्रोथ एड करो या इंटू वन पॉइंट जीरो बाय वॉट वन पॉइंट जीरो फाइव बोथ आर सेम डू यू अंडरस्टैंड दिस बोथ आर सेम ठीक है थैंक यू नेक्स्ट अगला वाला पार्ट लिसन अप अपू दिस कभी-कभी एग्जामिनर ग्रोथ रेट डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता मेरे जैसा कमीना आदमी रहे ना ना तो मैं purposely growth rate ही में 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 ये growth rate आता कहां से है उसका मैंने बहुत डिटेल में दिया रहेगा अभी फॉर्मुला मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशो ये रिटेंशन रेशो को एग्जाम में बी बोलते हैं बी बैलेंस बैलेंस मींस रिटेंशन कितना प्रॉफिट तुम रिटेन कर रहे हो और रिटर्न ऑन इक्विटी को आर बोलते हैं तो बी आर बी आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट बी आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट है हाँ ना नॉट बिहार बी आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट वैसे बिहार ही अभी बीजेपी के लिए ग्रोथ रेट है गवर्नमेंट टॉपअल मतलब गवर्नमेंट का ए, मतदब, के सपोर्ट मिलेगा उनको वहां पर सो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बी बैलेंस इंटू रिटेंशन रेशो अगर नहीं दिया बी बैलेंस और रिटेंशन रेशो आर बोले तो रिटर्न ऑन इक्विटी समझ में आया सबको आर का फर्दर ब्रेकअप होता है डू पॉन्ट के मॉडल के हिसाब से रेशो एनालिसिस चैप्टर में आता है वो सो दिस इज हाउ यू गेट वॉट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये डीपीएस वाला अप्रोच है अर्निंग्स पर शेयर आ गया तो क्या करेंगे इन ऑफ डीपीएस यू टेक वॉट पर शेयर बट भूलना मत क्या नहीं भूलने का है गैप बिटवीन दीस टू कौन सा वाला ये वाला इधर जीरो गैप इज ऑलवेज इक्वल टू वन मतलब ये जो परपेचुटी का फॉर्मूला है ना ये कभी भी परपेचुटी एज ऑन टूडे नहीं देता परपेचुटी फॉर्मूला याद करना एक लाइन मैंने क्लास में बोला होगा present value of perpetuity formula gives you present value at the beginning of the year in which perpetuity commenced मतलब क्या है अगर perpetuity fifth year से शुरू हो रहा है बहुत बार क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द शेयर वो पहले तीन-चार साल का डिविडेंड का डाटा देते हैं और बोलते हैं 5th ईयर से आगे परपेच्युटी है क्वेश्चन में क्या बोलते हैं 5th ईयर से आगे

तो फॉर्मूला कैसे आएगा P4, P4 फोर इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन के माइनस जी मतलब फिफ्थ ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाई के ही माइनस जी फिफ्थ ईयर से आगे परपेचुटी है तो आपको प्राइस आएगा P4 का और P4 से आपको P0 लेके आना होता है तो पहले क्वेश्चन में आपको चार साल का डिविडेंड दे दिया चार साल की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो और फिफ्थ ईयर से आगे का जो डिविडेंड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग से आएगी बट वो जो प्रेजेंट वैल्यू दिस इज नॉट अ प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन टूडे फिफ्थ ईयर से जो डिविडेंड है ना दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू वॉट इज दिस दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ईयर फाइव टू इंफिनिटी बट ये प्रेजेंट वैल्यू आज की है क्या नहीं फिर आप बोले ये वर्ड प्रेजेंटली क्यों यूज कर रहे तुम मैं क्यों करूं मैं क्या करू बोलते हैं लोग सच में ये प्रेजेंट प्रेजेंटअली नहीं है दिस इज अ वैल्यू एट द द ऑफ 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 फिफ्थ फिफ्थ ईयर ईयर बोले तो एंड फोर्थ ईयर बोलना मत इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और बहुत सारे बच्चे इस पे माति खाते हैं रेगुलरली बारिश का सीजन नहीं है तभी भी खाते है आजकल कभी भी बारिश होता है वैसे पी जीरो निकलना है तो क्या करना पड़ेगा मतलब आएगा e बच्चों सबको ये केई e के सारे फॉर्मूलाज हो गए कौन सा अप्रोच सिखाया मैंने केई e का एक अप्रोच सिखाया बस डी सी एफ अप्रोच सिखाया एनी वन एज अ क्वेश्चन ऑन डीसीक्विटी बोल बेटा क्वेश्चन पूछ बड़ी एज अ क्वेश्चन वेरी गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट अभी नॉन डी सी एफ वाले अप्रोच इस पर रियलाइज ईल्ड तो बहुत ही डेंजरस है लिखो रियलाइज ईल्ड अप्रोच ब्रैकेट में लिखना जय आई सी आई विद्यू रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट ये अप्रोच क्या बोलता है पास्ट में जो रिटर्न कमाया है शेयर ने डैट रिटर्न इट सेल्फ इज

टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, से करते हैं कभी कभी विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से करते हैं बट जनरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से करते हैं शेयर का रिटर्न कैसे निकलता है द रिटर्न ऑफ द शेयर इज बेसिकली इन द टू फॉर्म्स प्राइस अप्रिसिएशन एंड डिविडेंड तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं ऑब्जर्व वॉट एम राइटिंग ठीक से सुनना रिटर्न इज़ इक्वल टू शेयर का रिटर्न एक पर्टिकुलर पीरियड का एक ईयर का तो हम क्या करेंगे हर एक ईयर का रिटर्न निकालेंगे और इला रिटर्न आने के बाद हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढेंगे पेशेंस ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज मॉडल में उन्होंने दोनों अप्रोचेस दिए हैं रिटर्न इज इक्वल टू प्राइस एट द एंड ऑफ द इंड Minus price at the beginning of the year. What is this? This is capital appreciation. Do you understand? This is capital appreciation plus what? Dividend. Capital appreciation plus dividend. Divided by what? बिगिनिंग ऑफ द इिस इज इंपॉर्टेंट मॉडिल में ये चीज दी हुई है यह भी मैं इंस्टीट्यूट को फेवर देना चाहता हूं कि पूछ ही कम बार है पूछते नहीं मॉडिल में है लेकिन ये अप्रोच घटिया है बट पूछते कम है रियलाइज ईल्ड अप्रोच ये क्या है इन टू हंड्रेड ये रिटर्न है एक पर्टिकुलर ईयर का रिटर्न है दिस इज अ रिटर्न अर्ड बाई द इन्वेस्टर इन वन पर्टिकुलर इयर Do you agree with me? Return earned in one particular year. Very good, intelligent students. ठीक है यह हो गया तुम्हारा रियलाइज रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर ऐसे हम क्या करेंगे मल्टीपल ईयर्स का रिटर्न निकालेंगे हर साल का आपको डेटा दिया रहेगा प्राइस एट ओके बेसिक चीज ईयर वन का प्राइस एट द बिगिनिंग दिया प्राइस एट द एंड दिया ईयर टू का प्राइस एट द बिगिनिंग मे नॉट बी गिवन

ये नहीं मालूम कि रात में भी बहुत सारी चीजें होती है 31 जनवरी के रात को पेटीएम का शेयर प्राइस बहुत अच्छा था एक फरवरी के सुबह को पेटीएम का शेयर प्राइस बीस टका नीचे था मात्र जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था अडानी के अगेंस्ट अडानी ग्रुप के अगेंस्ट तब उस एक जब रिपोर्ट आया था उस रात को शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा था अगले दिन सुबह अगले दिन मतलब इमीडिएटली अगले दिन नहीं गिरा अरे दो तीन दिन के बाद जब वो रिपोर्ट का एलिगेशन सारे पब्लिक हो गए तब शेयर प्राइस गिरा था तो जनरली एग्जामिनर ने क्या देना चाहिए ईयर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस अब आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स सर ये क्वेश्चन ही गलत है सर ओपनिंग प्राइस ऑफ 2023 इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस ऑफ 2022 बॉस तेरा दिमाग में प्रॉब्लम है क्योंकि ओवरनाइट लॉट ऑफ थिंग्स हैपन लॉट ऑफ न्यूज फ्लो कम ड्यू टू विच द प्राइस ऑफ द शेयर चेंजेस तो अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं लॉजिकली दे, डेटा देना चाहिए नहीं दिया तो क्या करोगे आप अजू ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस तो ये क्या निकला रिटर्न निकला किसका नहीं रिटर्न निकला एक साल का तो so, मैं अभी आपको डेटा ऐसा देता हूं ईयर एंड रिटर्न परसेंटेज में निकाल क्या ईयर 1 मैं बोलता हूं रिटर्न इज ट्वेंटी परसेंट ईयर टू रिटर्न इज एटीन परसेंट ईयर थ्री रिटर्न इज ट्वेल्व परसेंट ईयर फोर रिटर्न इज माइनस एट परसेंट ईयर फाइव रिटर्न इज इक्वल टू फोर्टीन परसेंट कैलकुलेट के मैंने रिटर्न कैलकुलेट करके दे दिया आपको एग्जाम में ऐसा कैलकुलेट करके नहीं देंगे एग्जाम में क्या देंगे वो शेयर का प्राइस दे देंगे और डिविडेंड दे देंगे और बोलेंगे के ही निकाल चल बच्चा बोलो क्या करूँ सर सुन ले तू मत कर सुनो बेसिक मतलब क्या है इसका आपको रिटर्न जो निकालना है वो हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडजस्ट करके निकालना होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडजस्ट करके मतलब तुमने अगर अज्यूम करो अज्यूम इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रुपीज हंड्रेड एट बिगिनिंग ऑफ इयर वन एट एंड ऑफ इल्यू विल बी हाउ मच वैल्यू विल बी हंड्रेड इंटू वन पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट वन एट इंटू वन पॉइंट वन टू इंटू पॉइंट नाइनटी टू इंटू वन पॉइंट वन फोर या कैलकुलेटर पर प्लस परसेंटेज करते जाना तुम लिखते टाइम पर ऐसा नहीं लिख सकते लेख वैल्यू विल बी हाउ मच 166 एग्जैक्ट .33 तो रुपया तुमने ईयर वन के बिगिनिंग में लगाया था आई होप एवरीवन अंडरस्टूड आई मैंने क्या किया परसेंटेज इतना बेसिक मैथ्स नहीं समझता है तो आज शुभ मुहूर्त है मतलब आज गणेश जयंती है ये ऐसे मुहूर्त इनको बराबर याद रहते हैं एफएम पेपर कौन सा डेट को है बोल एफएम पेपर इज ऑन व्हिच डेट देखा नहीं है, है?

पी वी इंटू वन प्लस आर रेज टू एन दंड्रेड बिकेम सिक्स पॉइंट इन हाउ मेनी मेनीस फाइंड आउट आर दिस इज वॉट इज गिवन इन द स्टडी मटेरियल ऑफ अवर बिलवर्ड इंस्टीट्यूट तो आप हर साल के रिटर्न निकालो और रिटर्न निकालने के बाद ऐसा करो get the answer bol na beta answer 10 point

डाउट डाउट ऑन दर्ग्यूमेंट नो रियलाइज अप्रोच इज ओवर ऐसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ करना है आपको और तीसरा अप्रोच मैंने कौन सा बोला था ऊपर आके देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रियलाइज हो गया

रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए इन्होंने कोरिलेशन रिग्रेशन में से रिग्रेशन को ढूंढा उस रिग्रेशन को हम बोलते हैं बीटा रिस्क फ्री रेट को हम बोलते हैं आर एफ रिस्क फ्री रेट इज नोन एज आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम कैसे आएगा बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ बीटा इंटू आर एम माइनस वॉट आर एफ

रिस्क फिर इज ऑलवेज ऑन जी सेक बेटा आर एम माइनस आर एफ जो है ना आर एम माइनस आर एफ इज नोन एज अ मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या बोलते हैं इसको मार्केट रिस्क प्रीमियम दिस वाला पार्ट इज नोन एज मार्केट रिस्क प्रीमियम डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वॉट इज इट कॉल्ड एज मार्केट रिस्क प्रीमियम तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम कितना है मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी बीटा कैन बी हायर देन वन बीटा कैन बी लोअर देन वन लोअर देन वन मींस दैट कंपनी इज लेस रिस्की एज कंपेर्ड टू मार्केट इफ बीटा इज मोर देन वन दैट कंपनी इज मोर रिस्की देन द मार्केट बीटा इज नथिंग बट रिग्रेशन को अगर मैथ्स आपका अच्छा है तो रिग्रेशन जो होता है वो रिग्रेशन को इफिशियंट को हम क्या बोलते हैं बीटा इट्स अ वेरी वेरी बेसिक ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस तो बीटा ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है बीटा ग्रेटर देन वन वी कॉल इट एज एग्रेसिव स्टॉक एग्रेसिव स्टॉक का मतलब क्या है वो कंपनी रिस्की है नॉट विस्की वो कंपनी रिस्की है एज कंपेयर टू हुम अदर्स नहीं एज कंपेयर टू मार्केट अदर्स बोलते हैं बीटा इज नॉट मेजर्ड इन रिलेशन टू अदर कंपनीज़ बीटा इज़ हाउ अ कंपनी इज इन रिलेशन टू मार्केट वी आर मेजरिंग कंपनी इन रिलेशन टू हुम मार्केट वेरी गुड कंपनी का परफॉर्मेंस हम मेजर कर रहे हैं मार्केट के रिलेशन में बीटा लोअर देन वन अगर रहा तो क्या होगा बीटा इज लोअर देन वन वी कॉल इट एज अ डिफेंसिव कंपनी डिफेंसिव मतलब लेस बीटा है डिफेंसिव स्टॉक कुछ कुछ कंपनीज का बीटा कम बीटा इज बेसिकली मेजर ऑफ रिस्क बीटा इज अ मेजर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रिस्क नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क रिस्क प्रीमियम सी के इज रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम बच्चों रिस्क दो टाइप का होता है कल जो मैंने सिखाया था लिवरेज में वो अलग था रिस्क जब आप कंपनीज में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो एज ए इन्वेस्टर दो टाइप की रिस्क रहती है एक रहता है सिस्टमैटिक रिस्क या कुछ लोग उसको सिस्टमिक रिस्क भी बोलते हैं सिस्टमैटिक लिखना है या सिस्टमिक लिखना है वो इंग्लिश के प्रोफेसर को जाके पूछो मतलब सिस्टमैटिक एक सिस्टम का रिस्क और दूसरा होता है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क या हम उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क सिस्टेमेटिक रिस्क मतलब क्या है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में रिस्क बैठा हुआ है इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो कुछ भी करो इस रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं नॉन डाइवर्सीफाइबल रिस्क किस चीज को नॉन डाइवर्सिफाइबल बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क को हम नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क बोलते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क को नॉन डाइवर्सिफाइबल बोलते हैं और अनसिस्टेमेटिक को क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइबल आप बोलेंगे मतलब मतलब सुनना बेटा सो अप ठीक से सुन बहुत बढ़िया कंसेप्ट है मेरे जो पोर्टफोलियो होता है अगर मैं ऐसा कुछ करूं मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूं नंबर ऑफ स्टॉक्स ले रहा हूं पोर्टफोलियो में और वाई एक्सिस पे मैं पोर्टफोलियो की रिस्क ले रहा हूं एज आई इंक्रीज अस इन माई पोर्टफोलियो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स अगर आपने सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स ही खरीदते बैठे तो रिस्क कम रिस्क कम नहीं होगी अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स ऐड करना चालू किया बैंकिंग फिर ऑटोमोबाइल्स ले लिया फिर आईटी ले लिया फार्मास्यूटिकल्स आपने ऐड कर दिया एफएमसीजी या कंज्यूमर फोकस कंपनी या थोड़े से टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज़ ले लिया अभी तो बहुत सारे टाइप्स के कंपनीज़ मार्केट में आ चुके हैं इंडिया में तो अलग अलग सेक्टर्स की अगर आपने कंपनीज़ आपके पोर्टफोलियो में ऐड की तो क्या होता है पोर्टफोलियो का रिस्क जो है ना वो कम होते लगता है पोर्टफोलियो का जो रिस्क रहता है वो मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से पोर्टफोलियो का रिस्क क्या हो जाएगा तुम्हारा कम हो जाएगा लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जिसके आगे आप कितना भी डाइवर्सिफिकेशन करो बहुत ज्यादा रिस्क पे इंपैक्ट नहीं आता है क्यों मार्केट का जो रिस्क है वो तो रहने वाला ही है सी आप रिस्क मिनिमाइज कर रहे हो रिस्क एलिमिनेट नहीं कर रहे हो क्यों वो एक वो जो रिस्क का ग्राफ है वो नीचे जीरो पे नहीं टच हो रहा है एज आई इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स वीव इज अस्क रिडक्शन बट ये जो रिस्क रहता है इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क फॉर एग्जाम्पल इंफ्लेशन रेट बढ़ सकता है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है जिसकी वजह से स्लो डाउन आ सकता है गुड्स के डिमांड के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग चीजें लोन पे खरीदते हैं तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो क्या होगा बेटा सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो लोअर डिमांड हो जाएगा बहुत सारे गुड्स का कार का डिमांड कम हो जाएगा हाउसिंग का डिमांड कम हो जाएगा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की कम हो जाएगी डिमांड कम हो गया तो रिस्क है ना ये तो ये रिस्क इसको सबको अफेक्ट करता है

क्योंकि नॉर्मली जब दवाई खरीदते हो आप या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो लोन पे नहीं होता है या उस टाइम पे आप सोचते नहीं है पैसा है या नहीं है आदमी पैसा लेके आता है कहां से लेके आता है क्या लेके आता है वो चमत्कार है पर लोग मैनेज करते हैं पैसा कैसे भी करके क्यों तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंपैक्ट नहीं आएगा लेकिन इंपैक्ट आ सकता है कब अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी के खुद के बैलेंस शीट पर लोन है तो तो फार्मा कंपनी को खुद इंपैक्ट आएगा बट इंपैक्ट फार्मा कंपनीज को कम्पेरेटिवली कम आएगा इंटरेस्ट रेट का बट हाँ इंडिया का मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करता है माल यूनाइटेड स्टेट को तो एक्सचेंज रेट अगर बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो गए तो इंपैक्ट कुड भी लेसर ऑन ऑटोमोबिल मच मोर ऑन फार्मा कंपनीज और आई टी कंपनी क्योंकि उनका एक्सपोर्ट का प्रपोर्शन ज्यादा है डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्सचेंज रेट मूव मतलब मैं क्या बोल रहा हूं इंटरेस्ट रेट रिस्क इसके एग्जाम्पल क्या है सिस्टमेटिक रिस्क एग्जाम्पल क्या है इंटरेस्ट रेट इंफ्लेशन रेट्स एक्सचेंज रेट्स करेंसी का एक्सचेंज रेट आ गया तुम्हारा फिर पॉलिटिकल रिस्क रहता है गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकता है यू नेवर नो कब गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बदल दे कोई गवर्नमेंट के पॉलिसी में डाइकोटॉमी हो सकता है हिपोक्रेसी हो सकता है कुछ भी हो सकता है देर कैन बी गवर्नमेंट चेंज इस इन गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए कुछ लॉज लाए थे कोविड के अंदर पंजाब के इलेक्शंस आ रहे थे लॉज वापस ले लिए गए गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया अभी जिसने किसी ने बिजनेस मॉडल अगर प्लान किया होगा गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर कि ये नए लॉ फार्मर के लिए आए हैं इसके हिसाब से फार्मिंग सेक्टर थोड़ा ओपन अप हो रहा है तो हम थोड़ा प्लानिंग करते हैं तो उनका प्लान पूरा टॉपल डाउन हो गया होगा गवर्नमेंट ने अभी अभी दो भारत रत्न दिए चरण सिंह चौधरी जी को भारत रत्न फार्मर्स के लीडर थे जैसे स्वामीनाथन जो थे जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया इंडिया में उनको भारत रत्न दिया गया पाँच छः दिन पहले लेकिन उसी देश में आज फार्मर्स को आज ही दिल्ली में आने से रोका गया फार्मर्स के ऊपर टीयर गैस फैलाया गया आज सुबह तेरह फरवरी को हम रिकॉर्ड कर रहे थे अभी मालूम नहीं फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हिपोक्रेसी ये सारा होता रहता है मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी के टाइम पे होता है कांग्रेस के टाइम पे भी होता है गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोचता है उनको क्या उनके क्या इंटरेस्ट है क्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन चेंज द व वे यू कॉन्ट प्रिडिक्ट उनका बताने के लिए वो बोलेंगे उनका ऑब्जेक्टिव अलग है कभी कभी नेक ऑब्जेक्टिव रहता है कभी कभी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव रहता है कुछ भी रह सकता है बट गवर्नमेंट पॉलिसी का रिस्क है वो रिस्क किसको है सबको है गवर्नमेंट ने टैक्स रेटिव बदल दिए रिस्क किसको रहेगा टैक्स रेट ऐसा कोई एक सेक्टर के लिए नहीं रहता सबको रिस्क है सो so, गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए यूटिलाइजेशन के ऊपर रिस्क सबको है

कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेसिफिक कॉस्ट हमने स्पेसिफिक कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ डेट सीखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीखा और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीखा और एक बाकी है जो अभी खत्म कर लेता हूं इमेजिन फ्लोटेशन कॉस्ट आ गया तो एफ माइनस करना पी जीरो में से इधर लिखा था मैंने अभी और एक क्या बाकी है कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस और फिर आएगा वेटेड एवरेज या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस हम इसको बोलेंगे के आर नॉट के के आर इट इज के आर कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस बिलोंग टू हुम इक्विटी होल्डर्स तो लॉजिकली जनरली स्पीकिंग के आर शुड बी इक्वल टू के अनलेस अदरवाइज गिवन अनलेस अदरवाइज आर शुड बी इक्वल टू केई समझ में आएगा सबको के आर एंड केक्वल हाउएवर समीट्यूट क्रिएट सम वक्स एक्सप्लेन बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूट का गलती नहीं है एक एक्सप्लेनेशन अच्छा है एक घटी है चलो अच्छा वाला पहले बोल दो तो. एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है एग्जीक्यूट करना मतलब लिटरली नामुमकिन है रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या है कंपनी ने जो प्रॉफिट प्लाउ बैक किया हा है ना हम बोलते हैं इफ दिस प्रॉफिट वॉज नॉट प्लाउड बैक इफ दिस प्रॉफिट वुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ डिविडेंड ये प्रॉफिट अगर हमने डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो, तो इन्वेस्टर्स ने कितना खुद कमाया होता दट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब बेसिकली आई एम संगल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ कंपनी वुड नॉट हैव प्लाउड बैक द प्रोफिट्स बट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिविडेंड हाउ मच रिटर्न इन्वेस्टर्स कूड हैव अर्न ज नोन एज वॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या बोला मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डू यू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई रिपीट कैलक्युलेशन इज वेरी वेरी टफ एग्जाम में प्रिंटेड रहेगा बट रियालिटी में हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट डिज नंबर नॉट ओनली नोट तो के आर इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर दिया तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है तुमको पर्सनल टैक्स रेट देता है तो क्या करने काई इंटू वन माइनस टीपी टीपी पर्सनल टैक्स रेट मतलब ये कहां से आता है मेरे को भी मालूम नहीं छोड़ दो ऐसा पर्सनल टैक्स रेट दे दिया तो ऐसा करने का के टीपी बेसिक लॉजिक इसका ये है कि अगर कंपनी ने रिजर्व डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए होते इफ कंपनी वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इन द फॉर्म ऑफ

कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस नेक्स्ट सो चेक कर लो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अब सुनना ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक सोर्स का एक पर्टिकुलर सोर्स का स्पेसिफिक कॉस्ट हमने खत्म कर दिया अब हम क्या करने वाले हैं स्पेसिफिक कॉस्ट खत्म होने के बाद आता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है एक सोर्स का है या सारे सोर्सेस का लगेगा सारे सोर्स। नॉर्मली विल नेवर एवर रेज द फंड्स ओनली फ्रॉम वन सोर्स एक सोर्स से दोड़ी पैसा रेज करोगे आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू ब्रैकेट केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू ब्रैकेट व्हाट केओ केओ समझ आ गया तुमको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज के ओ सुन लेना ठीक से क्या बोल रहा हूं मैं मैंने सारे सोर्सेस से पैसा कलेक्ट किया है और मुझे उसका क्या करना है ओवरऑल कॉस्ट निकलना है दो अप्रोचेस है इसके लिए ओवरऑल कॉस्ट मतलब इट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक ट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज फंड आर नॉट रेज ओनली फ्रॉम वन सोर्स फंड रेज फ्रॉम ऑल सोर्सेस पुट टूगेदर तो दो अप्रोचेस कौन से है बुक वैल्यू अप्रोच एंड वॉट मार्केट वैल्यू अप्रोच बुक वैल्यू अप्रोच एंड वॉट मार्केट वैल्यू अप्रोच दोनों अप्रोचेस से आंसर हमेशा अलग अलग आता है रिमेंबर स्पेसिफिक कॉस्ट रिमेन्स द सेम फॉर बोथ स्पेसिफिक कॉस्ट में चेंज नहीं है क्या बोला मैंने स्पेसिफिक कॉस्ट में चेंज नहीं है स्पेसिफिक कॉस्ट इज

क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा तो कुछ नहीं लिखा तो आपको डेटा देख के समझ लेना बुक वैल्यू बट रिमेंबर बुक वैल्यू करो या मार्केट वैल्यू करो स्पेसिफिक कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम देर इज नो डिफरेंस इन स्पेसिफिक कॉस्ट वेदर यू फॉलो बुक वैल्यू और यू फॉलो फॉर्मूला है बट मैं फॉर्मूला क्या कर रहा हूं मैं फॉर्मूला फॉलो नहीं करने वाला हूं हा ना तो देखो मैं क्या कर रहा हूं सोर्स मैं पहले कॉलम क्या कर रहा हूं सोर्स एंड देन आई विल टेक कॉलम बुक वैल्यू और वॉट मार्केट वैल्यू सोर्स पहला कॉलम मेरा सोर्स है सोर्स डेट इक्विटी प्रेफरेंसेस और उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं आइदर बुक वैल्यू कॉलम या मार्केट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड देन आई विल राइट कॉस्ट इन परसेंटेज एंड देन आई विल राइट कॉस्ट इन रूपीज कॉस्ट इन परसेंटेज एंड अ कॉस्ट इन रूपीज समझ में आया सबको तो हम क्या करेंगे सोर्स डेट इक्विटी फिर क्या करेंगे प्रेफरेंशेस ऐसे अलग अलग मेरे क्या लिखे मैंने सोर्सेस लिखे उनका बुक वैल्यू लिखो या मार्केट वैल्यू लिखो जो भी है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन टेज बच्चो परसेंटेज कुछ भी हो बुक वैल्यू हो या मार्केट वैल्यू हो वो सेम रहेगा और फिर बुक वैल्यू इन टू कॉस्ट इन परसेंटेज मल्टीप्लाई करके आएगा तुम्हारा जो टोटल है उसको ए बोलो बुक वैल्यू को बी बोलो फिर हम निकालेंगे के ओ के ओ इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड इज इक्वल टू वॉट के ए अपॉन बी इन टू हंड्रेड इज इक्वल टू के ओ अब सवाल ये आता है कभी कभी में पूछा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच्चा डर जाता है सिंपल वेटेड एवरेज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड फॉर हिस्टोरिकल अमाउंट दैट इज ऑलरेडी रेज और इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बी रेज्ड व्हेन यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ द बी रेज्ड कॉल इट इज अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड मार्जिनल का मतलब क्या है एडिशनल तो बच्चों वैक पूछो या एमसी पूछो टेबल यही बनेगा टेबल यही बनेगा सिर्फ अमाउंट्स के आ जाएंगे यू कैन बेसिकली टेक द वेट्स ऑफ हिस्टोरिकल अमाउंट और वेट्स फॉर अमाउंट टू बी रेज वेट मतलब प्रपोर्शन इफ यू आर टेकिंग हिस्टोरिकल प्रपोर्शन हम उसको वैक बोलते हैं और अगर आप फ्यूचर के फंड्स का प्रोपोर्शन लेने जा रहे हो हम उसको एमसीसी बोलते अब क्या बोलते हो उससे कैलकुलेशन का मेथड चेंज नहीं होता फिगर्स सिर्फ चेंज हो गए तो बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूं वेट्स वेट्स कैन बी अब कहां पे लिखा ओके okay, जिसको पसंद नहीं है ये टेबल पसंद नहीं ना देखो यही चीज आंसर जो चाहिए ना तुमको देखो K -D. K -D के ओ इज इक्वल टू के डी के डी कह रहे कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट वेट ऑफ डेट कैसा डेट अपॉन टोटल डी प्लस पी प्लस ई ये क्या है डी प्लस पी प्लस ई टोटल अमाउंट ये देखो ना डेट प्लस इक्विटी सिक्वेंस बदला क्या है के डी इंटू डब्ल्यू डी प्लस दूसरा क्या आएगा के पी इंटू पी अपॉन पी मतलब वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियस पी मतलब वैल्यू ऑफ सेस डिवाइडेड बाई डी प्लस पी प्लस ई समझा गया तुमको प्लस के ईज इंटू अपॉन डी प्लस पी प्लस ई अपॉन डी प्लस पी प्लस ई हा है ना प्लस के पी यहां पर नीचे क्या लिखूंगा मैं के पी इन टू डब्ल्यू पी अंडरस्टूड प्लस वॉट के ई इन टू डब्ल्यू अब बच्चो ये जो वेट है ना क्या बोला मैंने ये जो वेट है ना वेट वेट ये वेट आप क्या कर रहे बच्चो वेट कैन बी बेस्ड ऑन आईदर हिस्टोरिकल अमाउंट और द वेट कैन बी बेस्ड ऑन द फंड टू बी एडिशनली रेज डू यू अंडरस्टैंड Weights can be either historical amount or of a funds to be raised. I hope everyone understood. Ye hai tumhare kya? weights. weights can be weights can be historical. और मार्जिनल वेट्स कैन बी हिस्टोरिकल और मार्जिनल डू यू गेट दैट हिस्टोरिकल और मार्जिनल सबको समझ में आएगा हिस्टोरिकल और मार्जिनल यस कैसे भी आएंगे ना वेट्स एब्सोल्युटली कैसे भी आएंगे तो हिस्टोरिकल लिया तो हम उसको वैक बोलते हैं और अगर मार्जिनल लिया तो हम उसको क्या बोलते हैं एमसीसी नाम में फर्क है कैलकुलेशन तो तुम्हारा क्या रहेगा सेम ही रहेगा तुम तो उसको हिस्टोरिकल बोलो या मार्जिनल बोलो कुछ भी फर्क नहीं आता आर यू क्रिस्टल क्लियर अबाउट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिक्कत कहां पर आती है वो जो स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है है ना उस टाइम पे मार्केट प्राइस लेना या इशू प्राइस लेना है इशू प्राइस लेना चाहिए लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी इशू प्राइस देते नहीं है तो उस टाइम पे ये दिक्कत आपको कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में भी आती है कल अगर आपको याद होगा तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था नंबर ऑफ शेयर्स जब निकालते हो क्वेश्चन तो में प्राइस ही नहीं देते यार क्या करने का का रोने नहीं रुलाने का सामने वाले को कैसे आईसीए को नहीं रुला इस हैं इसकी फेल, कि चार पांच मार्क्स से जो फेल होता है वो है लेकिन इसलिए मैंने आपको हजार बार बोला है डू नॉट अज्यूम पासिंग इज इक्वल टू फिफ्टी मार्क्स अज्यूम पासिंग टू फिफ्टी फाइव और सिक्सटी मार्क्स और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो नहीं बदल सकते आप सिस्टम को चलो अभी हम आगे बढ़ रहे आगे कहा जा रहे हैं अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे से हाँ और एक क्वेश्चन जो आता है वैल्युएशन पैदा है कभी कभी बॉन्ड का वैल्यूएशन या इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश लोस एनीबडी है डाउट सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखा के दिए, रखे हैं एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ा है कॉस्ट करेक्ट आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग यस और रियलाइज यील्ड में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा के आंसर निकाला है वी डिड नॉट कैलकुलेट द आंसर विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं मैं एग्जाम के रीसेंट एग्जाम्स में आए हुए क्या करना है तुमको ब्रेक चाहिए या क्वेश्चंस के बाद नहीं क्वेश्चंस को टाइम लगेगा एक क्वेश्चंस करते हैं और फिर अब घर पे जाओ क्वेश्चन करते हैं ना एक आवर अबाउट वन आर विल फिनिश द क्वेश्चंस एंड देन टुमारो विल टेक अप द अदर थिंग मॉडिग्लनरी मिलर एंड डिविडेंड डिसीजंस तो क्या होगा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज और डिविडेंड डिसीजंस की जो थ्योरीज है वो एक साथ में भी आ जाएगा तो कल हम डिस्कस करेंगे उनको सो राइट नाउ आई विल टेक अप सम वंडरफुल क्वेश्चंस देखो रिसेंट एग्जाम से दो तीन क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया पूछे इंस्टीट्यूट ने, बहुत ही डेडली डेडली क्वेश्चंस पूछे कहाँ पे जाने का आईसीआई के वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट्स बीओएस नॉलेज पोर्टल क्लिक हियर टू व्यू बीओएस नॉलेज पोर्टल एंड देन लुक आउट फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर में आईसीआई का आंसर रहता है सो सर रिजर्व को मार्केट वैल्यू पर लेना है या बुक वैल्यू पर ओके जस्ट अ सेकंड एक चीज और बोलना बोलना ठीक है एक चीज सुनना ठीक से वापस ये टेबल देखो सोर्स है ना इक्विटी कभी कभी जब मार्केट वैल्यू इक्विटी के दो एलिमेंट रहते एक रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक रहता है रिजर्व एंड सरप्लस ठीक से सुनो बेटा ये मैंने रेगुलर लेक्चर्स में भी बहुत डिटेल में बोला है बट बच्चा सुनता नहीं है सोर्स और यहां पे लिसन अप केयरफुली अगर बुक वैल्यू अप्रोच आया तो आप क्या करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अलग लिख सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस अलग लिख सकते हो क्यों बुक वैल्यू अलग अलग रहता है बुक्स ऑफ अकाउंट में शेयर कैपिटल अलग दिखता है रिजर्व एंड सरप्लस अलग दिखते हैं हा ना और कॉस्ट इन परसेंटेज मेजोरिटी केसेस में कॉस्ट इन परसेंटेज सेम ही रहता है अगर सेम रहा तो आप ये बाइफरकेशन कर रहे हो या बाइफरकेशन नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का आप कंबाइन करके लिखे तो भी चलेगा लेकिन क्या होता है कभी कभी इसका कॉस्ट इन परसेंटेज और नीचे का जो कॉस्ट इन परसेंटेज है वो अलग रहता है वो अगर अलग रहा तो क्या करोगे आप आपको अलग, अलग अलग लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये हो गया तुम्हारा बुक वैल्यू अब मार्केट वैल्यू अप्रोच में जब गए ना तुम तो आप अलग अलग, अलग लिख ही नहीं सकते हो कैसे नहीं लिख सकते आप लेट्स से मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16 परसेंट है और ये मेरा 14 परसेंट है रिजर्व सरप्लस का कॉस्ट नॉर्मली थोड़ा कम रहता है क्योंकि रिजर्व सरप्लस में कभी भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लेना है रिजर्व सरप्लस कैलकुलेट करते टाइम पे डू नॉट कंसिडर

इक्विटी का मार्केट वैल्यू ऐसा शेयर कैपिटल का अलग मार्केट वैल्यू और रिजर्व सरप्लस का अलग मार्केट वैल्यू नहीं होता है दोनों का बुक वैल्यू कितना लाख बुक वैल्यू है बुक वैल्यू ,00 अलग अलग मिलता लेकिन मार्केट वैल्यू अलग अलग नहीं मिलता है तो आपको एक, दो ऑप्शन हम क्या करते हैं लेट्स से मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया है मार्केट वैल्यू नॉर्मली बुक वैल्यू से ज्यादा रहेगा लेट्स से टू फोर्टी तुम्हारा बुक वैल्यू था और मैं बोलता हूँ थ्री टाइम्स का पीबी मल्टीपल है क्या है थ्री टाइम्स का पीबी मल्टीपल है तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी लैख समझा तुमको सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी लैख का क्या है मार्केट वैल्यू है तो ये सेवन ट्वेंटी लैख जो है ना उसको हम स्प्लिट करते हैं कौन से रेशो में बुक वैल्यू के रेशो में अगर तुम्हारे पास ये किसका डाउट था लक्ष्य कुमार जी अगर ये अलग अलग है यहां का कॉस्ट सिक्सटीन परसेंट है और यहां का कॉस्ट फोर्टीन परसेंट है और मार्केट वैल्यू सेवन ट्वेंटी है यू कैन नॉट हैव मार्केट वैल्यू इन द रेशो ऑफ बुक वैल्यू तो सेवन ट्वेंटी को क्या रेशो में करोगे फोर इज ट्वेंटी के, के रेशो में स्प्लिट कर सेवन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर इंटू फोर टे so अलग अलग लिखो या कंबाइन करके लिखो आंसर का को कोई फर्क नहीं पड़ता है बट रिमेंबर सेवन ट्वेंटी दो बार मत लिखना इधर भी सेवन ट्वेंटी इधर भी अगर कॉस्ट अगर दोनों का लेट्स से क्वेश्चन में कॉस्ट इन परसेंटेज सेम ही दिया होता सेवनटीन परसेंट सेवेंटीन परसेंट सेवनटीन सेवनटीन दे दिया होता तो क्या करो टू फोर्टी इंटू सेवनटीन परसेंट करो और नीचे सेवन ट्वेंटी इंटू सेवनटीन परसेंट करो लेकिन अगर कॉस्ट इन परसेंटेज अलग अलग है तो मार्केट वैल्यू को आप स्प्लिट कर लेना आई होप यू अंडरस्टेंड दैट और डाउट बोलो क्या क्या डाउट है वैक के लिए बुक वैल्यू एंड एमओ के लिए मार्केट वैल्यू बट ऐसा कुछ नहीं होता है

और यहां पर आप बुक वैल्यू वेट्स लोगे इंस्टीट्यूट हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं प्लीज को इस चैप्टर में यहां से आगे क्लैरिटी के साथ फ्रेम करना जो लोगों को आप पेपर सेटिंग के लिए बोलते हो उनको प्लीज बोलना क्लैरिटी लाओ एच डी क्लैरिटी लाओ प्लीज बच्चों का करियर का सवाल है मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्लैरिटी की वजह से होता है इस चैप्टर में जो है ना चैप्टर बहुत अच्छा है बहुत कॉन्सेप्चुअल है बट क्वेश्चंस एम्बिग्यूस रह नहीं आता समझ समझे बहुत, मैं, मैं बोल रहा हूं आपको, और, मतलब इंस्टीट का लोग जितना भी लोग लाने रियल लाइफ का ला, सिखाता हूँ रियल में ऐसे फालतू के एग्जाम होते नहीं बुक वैल्यू और आई हू टेक मार्केट वैल्यू और प्लस मुझे स्पेसिफिक कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है मालूम होता है ये लोग डेटा ही इस तरीके से देते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ क्वेश्चन देखने के बाद ये मैं आपको पहले ही आपका माइंडसेट प्रिपेयर कर रहा हूं इससे डरना मत इससे गिव अप मत करना ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है हमारे कंट्री का ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग में भी, भी होता होगा हमें मालूम नहीं सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर वाले भी इसमें भी होता होगा उनको भी कुछ पुराने डिसीजन सिखा रहे होंगे आ, आप मालूम नहीं ना आप आपसे तुमको क्या समझता डॉक्टर का कुछ समझता तेरे को नहीं समझता तो चुप बैठने का ओके मार्केट वैल्यू में रिजर्व सरप्लस इंक्लूडेड होता है हाँ हो गया सो so, सर मेरे पास आपकी नवंबर 23 थ्री अटेम्प की बुक है सर वो काम आ जाएगी ना हाँ आराम से कोई सिलेबस में चेंज नहीं बेटा एफ के अंदर जो एडिशन हो चुका है वो हार्डली कलर चेंजेस है कुछ एक चैप्टर डिलीट हो चुका है रिस्क एनालिसिस का लीजिंग डिलीट हो चुका है तो देर इज नो ग्रेट चेंज फॉर एफ एम हाँ अब मेरे को मेरा कोर्स बेचना है या मेरे को बुक्स बेचने हैं या मेरे को कुछ बेचना है तो मैं बोलूंगा देर आर लॉट ऑफ चेंजेस आई मेक अ वीडियो ऑन चेंजेस एंड एज पर द न्यू सिलेबस मेरे धंधे के लिए वही तो मैं कल बात कर रहा था ना धंधा और टीचिंग ये जो है ना पीपल जहां पर जेन्युन चेंजेस है वो बोलो ना जेनुइन चेंजेस है अकाउंट्स में जेनुइन चेंजेस है लॉ में जेनुन चेंजेस है जहां पर मेजोरिटी चेंजेस है ऑडिट में थोड़े बहुत है बट मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें चेंजेस नहीं है एफ के अंदर कॉस्टिंग के अंदर भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है अकाउंट्स के अंदर है तो आप पुराने बुक से भी आप पढ़ सकते हो उसके बाद आप अब बताने के लिए क्या है ना मैं बहुत बड़ा ऐसे छोटे छोटे एक 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 पॉइंटर का लिस्ट बना सकता हूँ सब्सटेंस के अंदर चेंजेस बहुत कम है देर आर नो ग्रेट चेंजेस एक टीचर है जो कोई बोल रहे हैं कि नए बुक्स लेना तू नए बुक खरीदना बेटा फिर मैंने बोला तुमको नया बुक खरीदा है नया बुक खरीदो आईसीआई का मॉडल देखो यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इट्स क्या है ना ये जब नया सिलेबस आता है तो बिजनेस के लिए वो लोग बहुत सारे एक्साइटेड जैसे एक न्यूज़ चैनल होता है उसको हिंदू मुस्लिम के दंगे होना उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है वो लोग खुश होते हैं लेकिन वहां पे जो आदमी मर रहा है ना एक्चुअली वो जिसके घर में मरा ना वो हिंदू या मुस्लिम नहीं देखता उसके घर में आदमी या औरत कोई तो मर गई होती है लेकिन वो न्यूज चैनल उसके ऊपर उनको अरे यार नया मसाला मिल गया अभी तो टीआरपी बोलने के लिए तो ये ऐसा चीज है नया सिलेबस आ गया तो हमको अरे भाई नया मसाला मिल गया मेरे को नया कोर्स बेचने के लिए प्रोडक्ट ऐसा मत करो बेटा कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है आप पुराने सिलेबस के आपके पास बुक्स है लेक्चर्स है वो उससे काम चला है सकते हैं आप आईसीआई का मॉड्यूल देख के आप चेंज कर लेना पूरे सिलेबस में बात मानना मेरी इंटर के अंदर एफएम के अंदर अगर पूरा तुम ऐसा कंपैरिजन कर भी करते बैठे ना सब्सटेंस के अंदर दो या तीन पेजेस का चेंजेस मिल जाएगा और वो भी ऐसा वर्ड रहेगा और वो तेरे को देखना है तो के पहले वो उन्होंने दिया जाता है ऐसा होता है उसके बाद भी तेरे को पढ़ना है नए बुक खरीदना है प्लीज बाय आवर कोर्सेस फ्रॉम एक डॉट कॉम है लिंक विल बी आई नो मालूम नहीं सो ठीक है सबको क्लियर है कोई डाउट इसके अंदर चलो अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पेपर लेना चाहता हूँ और क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो दो तीन क्वेश्चंस लेता हूं पहले क्या करूं टफ वाला एक दो तीन अटम पहले बहुत टफ क्वेश्चन आया था मतलब मई 23 का एग्जाम था बच्चों का मतलब खाना नहीं याद दिलाया था उसने मस्त लगी गाना कंसेप्ट जिसका क्लियर है वो उसके लिए बहुत आसान uh, था लेट मी टेक अप टफ क्वेश्चंस ऑल्सो जस्ट पुश करने दो मेरे को क्वेश्चन को ये आ गया तुम्हारा ओके ऐड okay, किया मैंने या न्यू किया था न्यू किया था ठीक है May 23 का जो पेपर था ना मस्त पेपर सेट किया था इंस्टीट्यूट ने दो तीन क्वेश्चन आया थोड़ा ऐसा, ऐसा वेरिएशन करता हूँ लेट मी टेक पहले क्या कर रहा हूँ सारे फाइल्स पोस्ट कर रहा हूँ दो तीन अटैम्प्ट में से आपको इनअ आइडिया आ जाएगा बेसिक कैलकुलेशन वाला नहीं है और कौन सा मे ट्वेंटी टू ले चार अटेम्प्ट बहुत हो गए सीक्वेंस okay. तो में, में लिया था ना हमने तो मैं पहले जाता हूं मे ट्वेंट ट्वेंटी टू नहीं मई ट्वेंटी टू लिखा है लेकिन नवंबर ट्वेंटी टू किधर गया ट्वेंटी टू रह हाँ नवंबर ट्वेंटी टू नवंबर ट्वेंटी टू नहीं मई ट्वेंटी थ्री चाहिए मेरे को फर्स्ट वाला मई ट्वेंटी थ्री ओके मई ट्वेंटी थ्री हाँ ये डिविडेंड रेशो के ऊपर है ये रिसीवेबल्स के ऊपर है ये एनपीवी रिस्क एनालिसिस का है चैप्टर डिलीट हो चुका है क्वेश्चन ये कैपिटल सेक्चर का है कैपिटल सेक्चर पर लेंगे हम हा ah, लवली दिल ऐसा खुश हुआ था ना क्वेश्चन देख के क्वेश्चन फोर अच्छा क्वेश्चन है अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए इंस्यूट सोलूट हाँ क्लैरिटी में थोड़ा सा इश्यू है बट क्वेश्चन तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा नहीं गया अच्छे इन सबस्टेंस अच्छा था अभी देखो क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है रिजर्व सरप्लस ही नहीं कंपनी के चलता लेकिन हम अज्यूम करो ये तीस लाख ही ना इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस है कंपनी में रिजर्व जीरो है ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है इक्विटी शेयर कैपिटल थर्टी लाख ऑफ रुपीज टेन इच मतलब तीन लाख शेयर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टेन लाख डिबेंचर्स हो गया ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया करंट प्राइस ऑफ द शेयर इज एटी द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 14.7 इंग्लिश कंपनी हैज पेड कंपनी हैज पेड कंपनी के बाद बाहर झाड़ है होता ना कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 14.07 आ देखो तो को समझना ये जीरो है पेड मतलब अरे एज ऑन टुडे ओ वेट वेट कंपनी हैज पेड डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर लास्ट ईयर का डिविडेंड यू पे एज ऑन टुडे दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डी0 अगर क्वेश्चन में लिखा कंपनीज एक्सपेक्टेड टू पे डी1 इयर्स अगो इट डिविडेंड ऑफ टेन पर शेयर एक्सपेक्टेड आपको क्या करना है दस रुपए का डिविडेंड था सात साल पहले आज का डिविडेंटीन पॉइंट जीरो बट ये करने का जरूरत ही नहीं है अभी देखो कन्फ्यूजन क्या है ससुरे ने एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे दिया है हा है ना तो आपको डी वन तो मिल गया लेकिन जी भी चाहिए ना और इससे जी आएगा ये आर जो है वो जी है टेन रुपीज है जी क्या मैं ढूंढू गया फोर्टीन पॉइंट जीरो सेवन माइनस टेन नहीं होता डिवाइडेड बाई टेन उसका सेवन स्क्वायर रूट ले लो सेवन लिए ट्वेल्व टाइम स्क्वायर रूट बटन प्रेस करना पड़ेगा ट्वेल्व टाइम स्क्वायर रूट बटन प्रेस करो 14.07 डिवाइडेड बाय 10 प्रेस स्क्वायर रूट एंड 12 टाइम्स देयर आफ्टर हो गया क्या प्रेस फिर क्या करोगे माइनस वन yes, फिर डिवाइडेड 7 सेवन भूल गए क्या तुम लोग yeah. फिर प्लस वन फिर इंटू इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ट्वेल्व टाइम्स इंटू इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स करो और फिर माइनस वन करो एंड में और फिर जो भी आंसर आएगा इन टू हंड्रेड करो फाइव आ गया तो आर इज इक्वल टू फाइव परसेंट ये पहले ही मेरे हिसाब से आंसर लिखते हैं है परसेंट है, है? क्या है तुम्हारा ग्रोथ रेट अब देखो बच्चे का एग्जाम में कैसा स्ट्रेस आ सकता है पांच फोर्टीन पॉइंट जीरो सेवन प्लस फाइव परसेंट मैच नहीं होता ठीक है ना अभी हमने एक्सपेंस किया अभी अपना ग्रोथ अगले साल के लिए हम सोलह रुपया कमाने वाले और वहां से आगे पांच परसेंट फिर भाई ने बोला ना सोलह रुपया लेने का शुड बी टेकन बट ग्रोथ इन द डी वन देर आफ्टर विल बी फाइव परसेंट एग्जाम पास होने का ना तो बेसिकली क्या है अगले साल में हमको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखता और उसके बाद हमारा ग्रोथ नीचे आ जाएगा पॉसिबल है ना उसके बाद ग्रोथ हमारा नीचे आएगा क्यों पूछ मत 8% आर रिडीमेबल एट 6% परसेंट दिक्कत। क्या दिक्कत है लॉजिकली मैंने आपको हजार बार बोला था जब भी आप स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करता है इट शुड बी विद रेफरेंस टू करंट प्राइस इश्यू प्राइस इशू प्राइस इज ऑलवेज विध रेफरेंस टू करंट प्राइस तो अभी प्रॉब्लम क्या है स्पेसिफिक कॉस्ट के लिए हंड्रेड रुपीज ले या हंड्रेड एंड फोर ले देखते हैं आगे पढ़ने के बाद सो 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 एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज एंड सो डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस दिया है नहीं प्रेफरेंशर का दिया डिबेंचर का नहीं दिया कंपनी परसेंट टैक्स ब्रैकेट इनऑर्डर टू फाइनेंस एक्सपेंशन कंपनी इंटेंट टू बोरोन परसेंट लोन ऑफ सोएसो फ्रॉम द बैंक

ये फैक्टर्स दे दिए क्यों रे वो आपको कैलकुलेट करने के लिए सेवन अच्छा ये आप यहां से भी निकल सकते थे कैसे फोर्टीन पॉइंटेड बाई टेन बिकम अरे वन पॉइंट फोर जीरो सेवन आएगा ना वो वन पॉइंट फोर जीरो सेवन इज इक्वल टू वन प्लस आर रेस टू सेवन रेस टू सेवन का रेस टू सेवन मतलब एन इक्वल टू सेवन एन इक्वल टू सेवन देखो एन इक्वल टू सेवन फ्यूचर वैल्यू एन फैक्टर देखो अरे यार समझा तुमको फैक्टर तो वो तुम कैलकुलेटर ट्वेल्व टाइम्स रूट नहीं आता तो भी ये टेबल देख के तुम ला सकते हो अभी करने का क्या कह? दिक्कत कहां पर है दिक्कत है जो मैं बोल रहा था उधर स्पेसिफिक कॉस्ट कैसे निकालोगे स्पेशली फॉर स should... के लिए तो प्रॉब्लम नहीं प्रेफरें Preference... डिबेंचर के लिए मार्केट तो वैल्यू दिया नहीं प्रेफरेंट वैल्यू दिया गया शुड बी वर्कडउट विथ रेफरेंस टू करंट एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स हेडलाइन टॉप ऑफ दॉ must be worked out specific cost must be worked out with reference to with reference to current expectations of investors specific cost must be worked out with reference to करंट एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स डू यू अंडरस्टैंड दट करंट एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स चलो सुन लेना अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कौन सा एग्जाम था मे ट्वेंटी थ्री you ready? क्वेश्चन 4 ऑफ May 23. हम सॉल्व कर रहे हैं ने क्या आंसर दिया मुझे मालूम नहीं है तुम तुम्हारा बाद में चेक करना पहले चेक मत करो वी आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग हमें आंसर की जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन फोर ऑफ मे ट्वेंटी थ्री पहले क्या करो स्पेसिफिक कॉस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंशन बाद में है ये पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन है ऊपर लिखना पार्ट वन पार्ट वन के अंदर पार्ट वन क्या है वैक बिफोर एक्सपेंशन इनसाइड दैट आई एम राइटिंग स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डी के डी इज इक्वल टू आई रिडीमेबल दिया है इन दिया है देखते क्वेश्चन में डेट का क्या दिया 12 debentures redeemable at है ट्वेल्व परसेंट डिवेंश रिडीमेबल एटी रिडीमेबल है आई इंटू वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन इसको भी मैं वन माइनस टी ले रहा हूं होल थिंग डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन टू इसमें एजमशन का प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसमें करंट प्राइस दिया ही नहीं है प्रॉब्लम आने वाला है है प्रेफरेंस लिए मेरे हिसाब हिसाब से से करंट प्राइस के करना चाहिए क्योंकि वो सही टोटल अच्छा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैं पर डिबेंचर कर रहा हूँ हंड्रेड इंट ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्स इंटू पॉइंट था मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा था आरवी आरवी बोले तो वैल्यू ट्वेंटी परसेंट प्रीमियम ऑन हंड्रेड हंड्रेड एंड ट्वेंटी माइनस नेट प्रोसिट्स अभी आज का प्राइस क्या है मालूम ही नहीं प्राइस दिया नहीं तो आपको अज्यूम क्या करना पड़ेगा आज अगर डिवेंचर इश्यू किया तो हंड्रेड पे इशू होगा फेस वैल्यू पे क्योंकि प्राइस दिया ही नहीं क्वेश्चन में इश्यू प्राइस विल भी हंड्रेड लेकिन उसमें से पांच रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट जाएगा तुम्हारे जेब में आएगा नाइन्टी फाइव रूपीज तो नाइन्टी फाइव तुम्हारे जेब में आएगा समझा क्या सबको क्वेश्चन देख ऊपर ज अ कास्ट फॉर हाउ मेनी इय टेन इस मेरा नसीब मैं आजमा रहा हूं मैं सेकंड पार्ट को भी क्या कर रहा हूं वन माइनस टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी प्लस नाइन्टी फाइव अपॉन टू डिड यू गेट इक्ट होल थिंग इन टू हंड्रेड है वेरी गुड ऑनलाइन पब्लिक जल्दी जल्दी आंसर टाइप कर चैट बॉक्स में <laughs> बोलो आंसर 8.09 परसेंट आई होप एवरी गॉट इट के पी हम एंड में अजम्शन लिखेंगे या तुम इधर ही अजम्शन लिख सकते हैं अजम्शन टैक्सशील्ड इज क्लेम्ड फॉर आर वी माइनस एन पी अपॉन एन ऑल्सो फॉर आर वी माइनस एन पी अपॉन एन एज वेल टैक्सशील्ड इज

डिडेंड इल बी ऑन फेस वैल्यू ओनली रिडम्शन वैल्यू सिक्स परसेंट प्रीमियम हंड्रेड एंड सिक्स माइनस एन पी वन जीरो फोर ले रहा हूं मैं वाई वन जीरो मार्केट प्राइस इज वन जीरो आज अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तो एक सौ चार पे जाएंगे बेटा रुख आज अगर शेयर प्रेफरेंस शेयर का प्राइस सौ रुपए से ऊपर गया सौ सुन, सुन, सुन। रुपया फेस वैल्यू था शेयर का प्राइस कितना हो गया है? एक सौ चार प्राइस ऊपर गया मतलब एक्सपेक्टेशन नीचे जा चुके हैं

तुमने जो प्रेफरेंसेस ऑलरेडी इशू किए वो 100 पे इशू किए लेकिन आज इशू करेगा तो 104 पे इशू करूंगा ना मैं 105 105 कैसे एवरेज है होए oh नो no. कर ले आंसर 8 पॉइंट 8% एग्जैक्ट अरे अपना आंसर सही है पूरा कॉन्फिडेंस है अभी मेरे को आप बोलेंगे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा तुमको राउंड फिगर आ गया चमत्कार कर दे रे तू ई -E. पिछले वाले पे राउंड नहीं आया एट पॉइंट जीरो नाइन चलो हाँ पिछले वाले पे थोड़ा डाउट लग रहा है ये पॉइंट सिक्स नहीं किया तो क्या आता इधर का पॉइंट सिक्स गायब किया फिर सिर्फ तो नाइन पॉइंट जीरो टू ठीक है देखते हैं चलो ए अपने हिसाब से करो चलो केई -E, हाँ केई -E के लिए कौन सा फॉर्मुला लगाने का डी वन अपॉन पी जीरो फ्लोटेशन कॉस्ट दिया इक्विटी शेयर का नहीं प्लस जी डी वन डी वन कितना लेने का सिक्सटीन क्यों रहे? प्रिंटेड है मात. पी जिरो. पी जिरो बोले तो एट्टी रुपीज ना रहे? 80 रुपीज शेयर का प्राइस एट्टी रुपीज है ना रे प्लस ग्रोथ कितना फाइव परसेंट फाइव परसेंट इज पॉइंट जीरो फाइव बोल ट्वेंटी फाइव परसेंट आता है आंसर ये ग्रोथ कैसे निकाला हमने ऐसे बाजू में लिख ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट एफ वी इज इक्वल टू पी वी इन टू वन प्लस जीरो सेवन हैज बिकम ए सॉरी टेन रुपीज हैज बिकम फोरटीन पॉइंट जीरो सेवन ओवर हाउ मेनी इवन ईयर देयर फॉर आर इज इक्वल टू फाइव परसेंट फ्रॉम टेबल टेबल से दो मिनट में समझ में आता है One plus to seven को कंपाउंडिंग फैक्टर बोलता है इंटर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाया तुमने तुमने सिखा, नहीं सिखा, नहीं मालूम मुझे मैंने तो सिखाया था चार पांच लेक्चर बर्बाद लेक्चर बर्बाद किए तुमनेक्स्ट के ही हो गया अभी क्या करेंगे ऑन वॉट बेसिस book value basis whack on book value basis how do you get back source column book value next column is book value right agla column cost in परसेंटेज कॉस्ट इन रुपीज रिजर्व सरप्ल क्वेश्चन में है पेशेंस तो इक्विटी की बुक वैल्यू कितनी दी है थर्टी लैख बुक वाली तो कॉपी करो लो क्वेश्चन से प्रेफरें टेन लैख एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं करने का डिबेंच टेन लैक टोटल

इससे भी टफ क्वेश्चन करने वाले हम और फिर आपको घर पर छोड़ दूंगा रुक सकते हैं ना ऑनलाइन पब्लिक तुम तो क्या एट पॉइंट पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन ऑनलाइन पब्लिक मर गए कह रहे तुम पार्ट टू में क्या किया उन्होंने एक्सपेंशन किया ना एक्सपेंशन के लिए कितने का लोन लिया तीस लाख का लोन लिया बट उससे वजह से क्या होने वाला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेंज होने वाला है सो so, ठीक है कॉस्ट ऑफ लोन कॉस्ट ऑफ लोन कॉस्ट ऑफ लोन अभी तक जिंदा है ओके कॉस्ट ऑफ लोन के डी के डी इज इक्वल टू आई इंटू वन माइनस टी अपॉन एन पी सो I into वन minus t upon NP पी जाके मरो मत मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा तुमको मर गए तुम जाके मर के आएंगे आई इंटू वन माइनस टी फिफ्टीन इंटू पॉइंट सिक्स अपॉन हंड्रेड बोले सर ये कहाँ से लें पंद्रह परसेंट का पंद्रह रुपया सौ रुपए का लोन हाजू किया मैंने तुमको लेना है तो टोटल तीस लाख पे ले लो तुम आंसर वही आता कितना था नाइन परसेंट दिस इज कॉस्ट ऑफ लोन रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी चेंज होगा क्यों चेंज होगा रे वो लोन लेने की वजह से डिविडेंड सोलह रुपए से अठारह रुपए पे हो जाएगा आप बोलेंगे कैसे सर प्रॉफिट बढ़ेगा ना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है लेकिन यू आर अर्निंग मोर रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या लिखोगे डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी एक बोलो क्या पॉइंट बोलने का बहुत मन कर रहा है मेरा बोलो पक्का देखो नहीं किसको बोल रहा हूं मैं सीए पब्लिक को हाउ द हेल डिबेंचर होल्डर्स एक्सपेक्ट ट्वेल्व बट प्रेफरेंस होल्डर्स एक्सपेक्ट एट रिस्क कौन ज्यादा लेता रे प्रेफरेंस शेयर वाले ज्यादा लेते हैं ना ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन सीए कोर्स में तुमने पूछे और हमारे मीडिया ने लॉजिकल सवाल गवर्नमेंट से पूछे या हमारा अपोजिशन लॉजिकल काम करे ये नहीं होगा तो उसको सीए कोर्स नहीं कहेंगे उसको मीडिया नहीं कहेंगे हाउ द इट पॉसिबल कुछ समझा गया नेक्स्ट आगे बढ़ो वन क्या है डी वन आ गया ना तुम्हारा बोलो आंसर वन कितना है एटीन रे? कैसे चेंज होगा ना वन? डिवाइडेड बाय सेवनटी टू प्राइस इल टू कम डाउन प्लस व्हाट? जी जी बोले तो कितना है ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट रेट कैसे आप सर ग्रोथ रेट उतना ही क्यों रखा तुमने क्या करूं क्या मैं ग्रोथ रेट भी चेंज हो सकता है ना ये सिर्फ क्या कर रहे? एक साल का ही डिविडेंड चेंज होगा आगे ना आगे ग्रोथ रेट उतना ही रहेगा चल भाई कितना आंसर है अरे राउंड फिगर लाना था मेरे को हाँ चलो रिवाइज वैक रिवाइज वैक के लिए क्या करोगे वापस टेबल बनाओगे तुम कैसे टेबल बनाओगे सोर्स फिर बुक वैल्यू चार्जिंग नहीं लगा मैंने आज सोर्स बुक वैल्यू और फिर क्या करोगे कॉस्ट इन परसेंटेज और आखिरी कॉलम कॉस्ट इन कॉस्ट इन रुपीस समझ गया क्या सो so, सोर्स में सबसे पहले इक्विटी इक्विटी अब इक्विटी का बुक वैल्यू कितना तुम्हारा तीस लाख का तीस लाख ही रहेगा वो उतना ही रहेगा लेकिन उसकी कॉस्ट आप कितना ही लोगे थर्टी परसेंट प्रेफरेंस उसका टेन लाख ही रहेगा उसका कॉस्ट कितना है था अपना पहले एट परसेंट वो एट का एट ही रहेगा फिर डिबेंचर्स डिबेंचर्स कितना रहेगा टेन रहे? कितना आएगा उसका कॉस्ट उसका कितना था डिबेंचर्स का पहले एट, पहले क्या एट पॉइंट जीरो नाइन लोन लोन कितने का लिया तुमने थर्टी लाख का लोन लिया एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंशन का अमाउंट कितना था 30 lakh, हाँ. उसका कितना था का टोटल तुम्हारा 80 हो गया मल्टीप्लाई कर लो के ओ निकालो एंड ऑनलाइन ऑफलाइन वट एवर चेक अवर इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स विच आर गिवन बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज विच इज गिवन बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज इंटरेस्ट नहीं लिया मतलब मतलब वन माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं किया किधर सेकंड पार्ट को या फर्स्ट पार्ट को मतलब तू ये बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट ने ये भी वन माइनस टी नहीं लिया और ये भी नहीं लिया अच्छा ये वाला इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया सो so, भाई साहब बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने वन माइनस टी नहीं लिया है ये वाला बट वो बोर्ड ऑफ स्टडीज का आंसर है चेकिंग के लिए क्या यूज किया भगवान जाने मैं कुछ नहीं कर सकता दिस इज ये करेक्ट वन माइनस टी लेना चाहिए आईसीआई प्लीज इंप्रूव सच में दो आंसर नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मद्रास इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन का 1997 217 आईटीआर में रिपोर्ट किया है वो जाके पढ़ो या जो बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर का आईसीडीएस है वो जाके पढ़ो तुम्हारे सीए फाइनल का जो डायरेक्ट टैक्स का फैकल्टी है उसको पूछो ए, कुछ भी करते हैं लोग आरवी माइनस एनपी का जो गैप है वो टैक्स डिडक्टिबल है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज अ टैक्स डिडक्टिबल थिंग बट ऐसा उन्होंने नहीं मल्टीप्लाई किया बोर्ड ऑफ स्टडीज वो क्या है ना ये बेसिकली क्वेश्चन कभी पास्ट में आया होगा वो कॉपी किया है मॉड्यूल में दो उन्होंने लिखा है कि दोनों कर लो सच में दो सही नहीं है सच में सही जो हमने किया वही एक ही आंसर सही है क्योंकि ये जो अमाउंट रहता है उसका टैक्स डिडक्शन मिलता है बट ऐसी चीज प्लीज आई सी एल पर्सनली मत लेना ये जो चीज है ये हमारे इंप्रूवमेंट के लिए किसी ने आपको गलती दिखाई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके अगेंस्ट हूं हाँ अच्छा हो गया तो हमारे प्रोफेशन का अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा होगा ना प्रोफेशन अगर खराब होगा तो मेरा भी खराब ही होगा ऑब्वियसली ना प्रोफेशन अच्छा होगा तो सबको फायदा है किसी एक को फायदा नहीं है अब अब सोचो ना मतलब अगर सीए आदमी को तुम ये ये जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर है कि ये अमाउंट डिडक्टिबल है या नहीं है अभी चलो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस जमाने में आया था 1997 में प्रिंसिपल सेट किया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंटिंग सैंडर्ड तुम्हारा खुद का पढ़ के देखो तुम चलो टैक्स के लिए अकाउंटिंग सैंडर्ड फॉलो नहीं होता मुझे भी मालूम है फिर आईसीडीएस पढ़ो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्कलोजर स्टैंडर्स और, और ज्ञान देखे फायदा नहीं तुम ये करके आना है एग्जाम में तुमको अगर आईसीआई का बोर्ड ऑफ स्टडीज का फॉलो करना है वो फॉलो करो चेकिंग के लिए कौन सा आंसर है वो मुझे भी मालूम नहीं है ना बोर्ड ऑफ स्टडीज को मालूम है है वो है, वो आंसर उनका सीक्रेट सीक्रेट ट्रेड कभी रिलीज ही नहीं करते सबसे बड़ा जो फ्लॉ है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनमें देर इज नो ट्रांसपेरेंसी जो आंसर चेकिंग के लिए यूज करते हैं क्यों नहीं पब्लिश करते तुम लोग सोलह मे को पेपर खत्म हो गया पंद्रह मे को पेपर खत्म हो गया पंद्रह मे को, को रात को आठ बजे से ये अपलोड कर दो बच्चे इंस्टाग्राम पे नहीं जाएंगे आईसीआई के वेबसाइट के हेट ज्यादा होंगे इंस्टाग्राम से और ट्रेंडिंग बच्चा देखेगा बच्चे को सोला मे को समझ में आएगा कि पढ़ाई कल से चालू करना है या कल से पार्टी करना है दे दो ना क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा चेकिंग जब होने वाला है तुम कर लो आई रे रियली नॉट अंडरस्टूड कि वट इज अ प्रॉब्लम इन डिस्कलोजिंग द आंसर विच आर यूज फॉर चेकिंग ऑफ द एंड प्लस ऑफर न्यू पैटर्न आई एम ऑब्जर्विंग फॉर लास्ट टू थ्री रिजल्ट लगने के बाद बोर्ड ऑफ स्टडी सजेस्ट आंसर दस पंद्रह बीस दिन रिलीज ही नहीं करता तुमने अभी देखा नवंबर नहीं आए हो अभी तक पर्पजफुल नहीं आएंगे वो ऐसा टाइम पे देंगे जब वो मे का एग्जाम आएगा उसके बहुत क्लोज देंगे ताकि बच्चा भी बोलेगा छोड़ दे यार अभी क्या देखने का अभी अगले एग्जाम का प्रिपरेशन करो ये बहुत गलत है यार

कंट्रोल जान दो मई ना हाँ, 22 का मेरे को अभी ईयर याद नहीं आ रहा है, है। चलो ये भी अच्छा है पांच माह के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो शेयर का प्राइस लेना चाहिए था हमने एक्स डिविडेंड लेना चाहिए डिविडेंड डिक्लेयर करने के

₹2 तो ₹2 तो का क्या है बच्चों डिविडेंड इंक्लूडेड है ₹18 में आपने डिड यू नोटिस समथिंग प्रेफरेंशियल का फेस वैल्यू 25 है बट अभी उसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 18 क्यों नीचे गया मार्केट प्राइस मतलब शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन बढ़ गए होंगे डिबेंचर्स आर सेलिंग एट 120 परसेंट वाह रे वाह 120 परसेंट त्रे...

headline we need we need x interest price we need x interest price and x dividend price we need x interest price and what एक्स डिविडेंड प्राइस फॉर फॉर वि एंड शेयर दोनों के लिए समझ में आया तुमको टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज बीन एस्टिमेटेड एड नाइनटीन परसेंट अच्छा डायरेक्टली दे दिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेटैक मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलना ही नहीं तुमको तुमको क्या करना है सिर्फ निकलना है। कौन से बेसिस पे बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू क्यों रे क्वेश्चन में प्रिंटेड है चल क्वेश्चन नंबर वन सी क्वेश्चन सी ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जाम ट्वेंटी टू के ठीक है ले ले ट्वेंटी टू जो ईटीए रहेगा लेकर क्वेश्चन वन सी शुरू करते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ेगा मुझे क्यों कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट कौन सा फॉर्मूला है रिडिमेबल है इिडिमेबल इ रिडीमेबल दिया है नहीं ना आई इन वन माइनस टी अपॉन एनपी, आई कितना है आई आई ट्वेल्व परसेंट ऑन हंड्रेड ट्व ही रहेगा ये इन टू पॉइंट पॉइंट थ्री टैक्स रेट डिवाइडेड बाई एक सौ बीस एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही दिए हमको एक्स इंटरेस्ट ही चाहिए होता है क्या मैं सॉल्व अभी प्राइस ऊपर गया मतलब इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन नीचे गए हो अरे इधर भी उन्होंने वही बात ही ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स प्रेफरेंसियस एट परसेंट मतलब ये जो इनका क्वेश्चन सेट करने वाला बंदा है इसका डिग्री स्ट्रिप करना चाहिए कुछ भी सेवन परसेंट डिबेंचर्स आर कॉस्टलियर दें क्या लॉजिक है ऐसी मान लिया तुमको छोटो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सेवन परसेंट आ गया ना तुमको पीडी अपॉन एनपी पी डी पी डी प्रेफरेंस डिविडेंट विल बी ट्वेंटी फाइव इंटू एट परसेंट प्रेफरेंस फेस वैल्यू का ट्वेंटी समझा ना सो सो डिवाइडेड बाय एनपी एनपी कितना लेंगे हम नेट प्रोसीड एटीन माइनस टू समझा ना शेयर का ट्रू प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस इज नॉट एटीन सो ऊपर कितना में टू ना टू डिवाइडेड बाय ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट आई प्रिज्यूम एवरीवन वन 12.5 वैक इक्विटी का तो निकलना नहीं अपने को वैक कौन सा बेसिस पे करना है अपने को मार्केट वैल्यू सोर्स मार्केट वैल्यू कॉस्ट इन परसेंटेज एंड व्हाट कॉस्ट इन रुपीस सोर्स डेट डेट का मार्केट वैल्यू देखो डिबेंचर्स कितने हैं तुम्हारे पास सिक्सटी थाउजेंड डिबेंचर्स है इनटू उसका एक्स इंटरेस्ट वैल्यू लेना है जो एक्स इंटरेस्ट ही वन ट्वेंटी सेवेंटी टू लाख उसका मार्केट वैल्यू है 72 टू लैख समझा गया तुमको डेट ले लिया मैंने पहले मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर तुम्हारे फोर लैक अपॉन ट्वेंटी फाइव बोलो कितना थाउजेंड के प्रेफरेंस के प्रेफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय बोलो प्राइस कितना है उसका सिक्सटीन रुपीज आई होप इंस्टीट्यूट ने एक्स डिविडेंड प्राइस लिया होगा नहीं लिया तो मतलब वो बंदे का नॉलेज अलग ही रहेगा Two lakh, fifty-six thousand. Two lakh fifty-six thousand. Cost in percentage. Next, equity. 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 So. इक्विटी इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स कितने है 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 50000 शेयर्स है इनटू शेयर का प्राइस दिया है 39 एक्स डिविडेंड अबे हाँ ठीक एक्स डिविडेंड दिया ठीक है ठीक है पर गोला कम डिविडेंड दिया अपने को चाहिए एक्स डिविडेंड एक्स इक्विटी इज अ ट्रू प्राइस ऑफ द शेयर्स 90 19 लाख 50000 वाह टोटल 94 लाख 6000 कॉस्ट इन परसेंटेज ऊपर से कॉपी करो इक्विटी का कॉस्ट 19% परसेंट है प्रेफरेंशिस का कितना आया था अपना कॉस्ट 12.5 और डेट का कितना आया था 7 टैक्स शील्ड की वजह से नीचे गया कर ले सॉल्व एंड द इंस्टिट्यूट्स आंसर सही किया ना बहुत बढ़िया कौन सा एग्जाम किया हमने नवेंबर ट्वेंटी टू किया ना? बोलो बोलो इन पॉइंट के ओ इज इक्वल टू नाइन पॉइंट सिक्सटी थ्री परसेंट हैज एवरीबडी अंडरस्टूड नाइन पॉइंट सिक्सटी थ्री कोई माइकल ऑल जिसको डाउट एनी माइकल हु हैज अ डाउट नो डाउट नेक्स्ट डिबेंचर क्या है अच्छा मैंने मल्टीप्लीकेशन सही किया है लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिबेंचर का नंबर छ हजार है क्यों हंड्रेड रुपीज तक है डिबेंचर का फेस वाले क्या था सिक्स लाख अपॉन हंड्रेड अच्छी थाउजेंड है सही किया ना लेकिन नहीं सेवनटी टू लैक लिखा मैंने सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड है फिर सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड है ओ फिर गलत हो गया सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड है एक एक जीरो लिख दिया था हंड्रेड रुपीज और टेन रुपीज में आंसर फिफ्टीन पॉइंट अरे ये टोटल टोटल ट्वेंटी नाइन लैख ट्वेंटी और के ओ कितना आया चेक करो आई का आंसर कंसर और सही है कैसे बोलो तो पहले पहले परसेंटेज इस हाँ ये ऐसा सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए एक ज़ीरो गायब कर दिया मैंने जानद्रा अरे अब मैं इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ ना मेरे को भी हक बनता है कि नहीं मिस्टेक करने का हम तो कितना ऐसे बेसिक लेवल के मिस्टेक करते हैं हमारा लेवल बहुत नीचे है हायर लेवल मिस्टेक सर फॉर रिजर्व फॉर इंस्टीट्यूट ओके क्या कह रहे सही किया है इसी ने वेरी गुड चलो और एक एक मेरे को और अरे करते हैं ये कौन सा पेपर था नवंबर ट्वेंटी टू ना और नहीं रहेगा इसमें जो गंदा वाला आया था वो कौन एक क्वेश्चन मेरे को है बहुत मस्त आया था मतलब आधे टीचर्स लोगों को भी नहीं होगा ये भी अच्छा है लेकिन मेरे को वाई टी एम अप्रोच के ऊपर गंदा वाला क्वेश्चन आया था मे ट्वेंटी थ्री नहीं देखा ना अभी तक हमने एक सेकंड। ये मे ट्वेंटी थ्री था क्या ये मे ट्वेंटी थ्री था कौन सा रह गया फिर मई ट्वेंटी मई ट्वेंटी टू एक सेकंड मेरे को याद क्वेश्चन याद है मेरे को ईयर याद नहीं है यार हा यही वाला क्वेश्चन फाइव ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एग्जाम। अच्छा क्वेश्चन 15% परसेंट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ रूपीज हंड्रेड इच एट पार विथ अ मैच्यूरिटी पीरियड ऑफ सिक्स इन्वर्टिबल डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑन मैच्यूरिटी इच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इंटू टू इक्विटी शेयर the risk free rate of return is 10% market risk premium is 18% beta of the company is 1.25 the company has paid a dividend of so and so has paid paid matlab मतलब d zero hai wo 5 years ago it paid a dividend of 10 per share ab yahan se growth rate nikal sakte hain फ्लोटेशन कॉस्ट इज फाइव परसेंट डिविडेंड का जरूरत क्या है लेकिन अगर मेरे को

जन्नत। मेथड मतलब क्या है अभी वो वो किधर किधर लगाएंगे? दोनों जगह पे का? नहीं? वो मेरा वाला पार्ट है। बाय प्लस बाय है? कितना है डिवेंचर जब रिडीम हो गए यहाँ पे रिडीमेबल नहीं है कन्वर्टिबल है तो एक डिवेंचर के लिए आपको कितना रुपया मिलेगा वो मालूम है क्या नहीं मालूम है एक डिबेंचर के लिए कितना रुपया मिलेगा मालूम है क्या नहीं मालूम है तो क्या करेगा तुम ढूंढ लेगा प्लीज सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो डिबेंचर के लिए आपको दो शेयर मिलेगी तो हमें क्या करना है शेयर की प्राइस ढूंढनी है कब की आज से छह साल बाद वी हैव टू फाइंड अ प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर सिक्स इतना समझा क्या

लवडिट इंस्टीट्यूट क्वेश्चन अच्छा है आंसर मुझे मालूम नहीं अभी तक क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा सेट किया जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वही बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चन फाइव ऑफ मे 2022 ट्वेंटी टू एग्जाम मे 2022 ट्वेंटी टू एग्जाम क्वेश्चन फाइव सुन लेना स्टार्ट क्या करेंगे सबसे पहले -E के ई निकालेंगे के 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 ई शेयर का प्राइस लिए इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इन टू आर एम माइनस आर एफ रिस्क फ्री रेट कितना है टेन प्लस बीटा कितना है वन पॉइंट टू फाइव आर एम कितना है मार्केट रिस्क प्रीमियम बी आर आ गया प्रॉब्लम मार्केट रिस्क प्रीमियम इज़ 18 तो मार्केट रिस्क प्रीमियम 18 मतलब आरएम माइंस आरएफ मतलब मार्केट करेंडन 18 प्लस 10 28 है आ गया प्रॉब्लम समझा कि तुमको क्या हुआ है वर्ड यूज़ अरे बच्चों वर्ड यूज़ इन द क्वेश्चन इज़ मार्केट रिस्क प्रीमियम एक सेकंड ना ये भी छोटा सा है। एक सेकंड। मार्केट है ये बहुत बड़ा हो रे। कुछ तो जान दो मार्केट रिस्क प्रीमियम मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है आरएम माइनस आरएफ तो मैंने आर एफ माइनस आर एफ ले लिया तो के ही आ गया बहुत ज्यादा आएगा रे थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट आया ना दूसरा आंसर मालूम है क्या है टेन प्लस वन पॉइंट टू फाइव इंटू एटीन माइनस टेन एटीन को हम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं अभी अभी मैंने आईसीए को बोला था अच्छा दूसरा आंसर क्या है ट्वेंटी सही करे तो 20 या 32.5 मेरे को लगता है 32.5 से जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में प्रिंटेड क्या वर्ड है मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18 मार्केट रिस्क प्रीमियम रिस्क प्रीमियम इज ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रेट अरे हां या ना रहे बच्चों तो मैं 32.5 के साथ जा रहा हूं अब अपने को क्या करने का शेयर का प्राइस निकालने का है शेयर का प्राइस कैसे निकालेगा प्राइस ऑफ शेयर के लिए P0 जीरो आज का नहीं निकलना है शेयर का प्राइस कब का निकलना है P6 P6 सिक्स इज इक्वल टू इसलिए मैंने सिखाया था कॉन्सेप्ट D7 सेवन अपॉन के माइनस जी दो तीन लाइन छोड़ दूंगा मैं मेरे को क्या निकलना पड़ेगा के ई तो निकल दिया मैंने जी निकलना पड़ेगा ग्रोथ रेट ऑनलाइन पब्लिक डू यू ऑन गैड वेरी गुड क्वेश्चन बट आंसर मालूम नहीं ग्रोथ रेट कैसे निकालूंगा ग्रोथ रेट एफवी इज़ इक्वल तू पीवी इनटू वन प्लस आर रेस्ट टू एन सो कितना था डिविडेंड कंपनी हैज पेड़ डिविडेंड ऑफ़ टwelve point seven six फाइव इयर्स अगो डिविडेंड ऑफ़ टेन वाज़ पेड़ वन प्लस आर रेस्ट टू फाइ तो ये आ जाता है तुम्हारा वन पॉइंट टू सेवन सिक्स इज इक्वल टू वन प्लस आर रेस टू फाइव नीचे है क्या हाँ टेबल दिया है फाइव ईयर्स फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट सेक्टर फॉर फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स देखो फाइव ईयर्स दिखेगा तुमको फाइव ईयर्स और उसके लिए वन पॉइंट टू सेवन सिक्स है फाइव परसेंट मिल गया क्या तुमको आर इक्वल टू फाइव परसेंट आर मतलब ग्रोथ रेट है चलो जाओ ऊपर डी सेवन अभी आपने डिविडेंड कितना पे किया था ट्वेल्व सेवन सिक्स ट्वेल्व डी जीरो पब्लिक ट्वेल्व पॉइंट सेवन सिक्स इज डी जीरो इन टू वन पॉइंट जीरो फाइव रेज टू सेवन बाउंसर मैंने उसको कंपाउंड किया हा मैंने उसको क्या किया कंपाउंड किया डिवाइडेड बाय के ई के ई में कितना लेने वाला हूं 32.5 परसेंट लॉजिकल है माइनस ग्रोथ रेट फाइव तो डिविडेंड निकालो कितना था डिविडेंड 12.76 पॉइंट सेवन सिक्स इंटू वन पहले मल्टीप्लाई मत करना पहले रेस टू सेवन करना और फिर मल्टीप्लाई करना नहीं वो फैक्टर उन्होंने दिया है वन पॉइंट टू सेवन ना फैक्टर दिया ना 1.05 मुझे बोलो फैक्टर में प्रिंटेड फोर जीरो सेवन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व पॉइंट सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट बोलो आंसर सिक्सटी 65.28 ये शेयर का प्राइस है सर वो टू आंसर्स क्यों लिखे वो नहीं समझा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अरे भाई साहब क्वेश्चन में यूज किया है मार्केट रिस्क प्रीमियम ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम लेकिन अगर तुमने उसको सिर्फ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न लिया 18 को डेट 18 कैन बी मार्केट रिस्क प्रीमियम और 18 कैन बी अ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न लॉजिकली जो प्रिंटेड है वो 32.5 है बट अगर 18 को तुम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न लेते हो तो 18 माइनस टेन बिकम्स एट परसेंट प्रीमियम तो 8 परसेंट प्रीमियम लेना है या 18 लेना है प्रिंटेड लिटरली देखो तो 18 हो गया बट एटीन मतलब टू मच यार एटीन प्लस टेन एटीन प्लस टेन मतलब ट्वेंटी एट का रिटर्न हो गया मार्केट का बेटा कौन सा मार्केट ट्वेंटी एट परसेंट रिटर्न देता है यार? 28 देना मतलब बहुत बड़ी बात हो और वही लॉन्ग रन का बात कर रहे हैं हम ये कोई एक दिन का ये नहीं चल रहा है कि ठीक है ये आ गया तुम्हारा शेयर का प्राइस अब देखो वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑन कन्वर्जन वैल्यू ऑफ चर्स ऑन कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू इंटू सिक्सटी फाइव वेरी गुड क्वेश्चन है टू इंटू सिक्सटी फाइव पॉइंट टू एट बोलो वन थ्री जीरो पॉइंट दिस इज वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑन कन्वर्जन सबको समझ में आया क्या? दिस इज वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑन अभी निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कॉस्ट ऑफ वॉट डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बच्चों आई इंटू वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एनपी होल थिंग डिवाइडेड बाय एन इंटू वन माइनस टी होल थिंग डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन टू ये जो कन्वर conver, कन्वर्जन का जो वैल्यू है वही रिडेम्शन वैल्यू है इंटरेस्ट इंटरेस्टेड क्वेश्चन में दिया था कहीं तो 15 परसेंट डिबेंचर्स लिखा है 15 परसेंट डिबेंचर्स मतलब 15 इंटू पॉइंट टैक्स रेट कितना था रहे? 40 परसेंट था पॉइंट सिक्स आर वी विल बी वन थर्टी पॉइंट कितना निकाला हमने फाइव सिक्स माइनस वॉट अ क्वेश्चन अभिषेक लव इट क्वेश्चन अच्छा है आंसर देखेंगे नेट प्रोसीड्स में अज्यूम कर रहा हूं 100 कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया ना रे अच्छा फाइव परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी शेयर्स का है या डिबेंचर्स का है डिबेंचर्स का फ्लोटेशन कॉस्ट 5 लेते हैं 95 ले लो आई एम अज्यूमिंग इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर इज हंड्रेड हंड्रेड में से फाइव फ्लोटेशन कॉस्ट गया डिवाइडेड बाई हाउ मेनी मेनीय सिक्स ईयर्स मैंने फिर सेवन क्यों लिया वो रुख बराबर है डी सेवन था सिक्स इनके एंड का शेयर प्राइस निकलना है तो डी सेवन ही लेना पड़ेगा डिवाइड बाय समझा ना तुमको सिक्स इज अ टेन ईयर ऑफ डिबेंचर डोंट गेट कंफ्यूज इट्स अ लवली क्वेश्चन लव इट मतलब लव इट और प्रेफरेंशियस के लिए आई टी एम मेथड करना है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा सीट ने आंसर देख लेना बाद में आज ब्रेक नहीं मिलेगा क्या सर यही क्वेश्चन हो गया हो गया ब्रेक तुम्हारा क्या बिना ब्रेक के काम नहीं कर सकते सिर्फ साढ़े तीन घंटे बिना ब्रेक के इंस्टाग्राम पे ट्रॉलिंग कर सकते हो ट्रॉलिंग नहीं क्या बोलते स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग कर सकते हो तो ट्रॉलिंग किधर करते ट्विटर पे करते है क्या अच्छा आई कैन ट्रोल आई सी ऑन ट्विटर मैं तो कर सकते नहीं रही मेरा, मैं, से मेरा कोई नफरत नहीं है ऐसे वैसे तो देखो मैं तुमको भी चिल्ला तो क्या तुमसे नफरत करता हूं क्या मैं ऐसे को भी चिल्ला हूं तो क्या मैं ऐसे से नफरत करता हूँ ऐसा तो नहीं होता ना जब आप किसी और से किसी से प्यार करते हैं तभी आप चिल्लाते हो ना प्यार yeah, मतलब वो तुम्हारे और टाइप बोला नहीं मतलब तभी जाके तो तुम्हारा बाप तुमको चिल्लाता कि नहीं मतलब नफरत करता है मरता है कि नहीं तेरे को अभी तो नहीं मारता है ना भी मारा कि नहीं नहीं मारा तेरे को कुछ किया ही नहीं तूने सो so, बोलो आंसर कितना है थर्टीन पॉइंट टू थ्री अवनीश बोल रहा है इलेवन पॉइंट वन थ्री अवनीश बहुत मार्क आएगा इलेवन पॉइंट वन थ्री करेक्ट है ना थर्टीन कौन बोला फिर बोलो इलेवन पॉइंट वन थ्री या क्या यार आंसर तो सही बोलो ना यार इलेवन पॉइंट वन थ्री परसेंट हा नेक्स्ट पार्ट पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन यूज वाई टी एम मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस वाई टी एम के लिए आपको क्या करना होता है कैश फ्लोज लिखने होते हैं और फिर ट्रायल वाई टी एम इज नोड आयर आर कैलकुलेशन ऑफ

डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट पंद्रह परसेंट प्रेफरेंस शेयर पांच परसेंट मतलब इनके बेसिक में ही प्रॉब्लम है सो so, हंड्रेड रुपीज का प्रेफरेंस शेयर इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट इज सिक्स परसेंट मतलब हंड्रेड एंड टेन माइनस सिक्स परसेंट ऑफ हंड्रेड एंड टेन ये तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर की प्राइस एक सौ दस है कहां पर लेगा हंड्रेड रुपीज का प्रेफरेंस इज इशूड एट टेन परसेंट प्रीमियम बोलो हंड्रेड एंड टेन माइनस सिक्स परसेंट वन जीरो थ्री पॉइंट फोर आउटफ्लो आउटफ्लो क्यों इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया अब उसको हर साल क्या मिलेगा 1 -10. 1 -10 उसको डिविडेंड मिलेगा हंड्रेड के ऊपर फाइव परसेंट फाइव रुपीज आफ्टर टेन ईयर्स उसको उसका हंड्रेड रुपीज वापस मिलेगा आप बोलेंगे सर वो जो डिस्काउंट प्रीमियम uh, था उसका जरूरत ही नहीं tax shield है नहीं है ना के केस में tax shield का सवाल है नहीं। ही नहीं ऐसा ही मैंने ऊपर आपको के के लिए करवा लिया था क्या मस्त है यार Here, cash flow. फिर क्या करोगे तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ बोलो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा ना अच्छा क्वेश्चन में दिया है देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेन दिया ना उन्होंने टेन ईयर के लिए फैक्टर दिया ना देखो फैक्टर तीन परसेंट के दिए पांच के दिए तीन के भी दिए पांच के भी दिए हैं अच्छा ये ये एन्यूटी दिया है और ये सिंगल ईयर का फैक्टर दिया है पी वी आई एफ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पी वी आई एफ एन्यूटी एन्यूटी का भी चाहिए ना अपने को तो तीन और पांच तो चल तीन पे पटका मारे इधर प्रेजेंट वैल्यू तीन पहला ईयर का तो मैं भी करता हूँ वन जीरो थ्री पॉइंट फोर अरे समझा क्या तुमको वन डैश टेन थ्री परसेंट का एन्यूटी फैक्टर वन डैश टेन बोले तो एन्यूटी फैक्टर होता है थ्री परसेंट देखो इधर थ्री परसेंट पॉइंट जीरो मतलब थ्री परसेंट थ्री परसेंट फॉर टेन ईयर्स एन्यूटी थ्री परसेंट फॉर टेन ईयर्स का एन्यूटी देखो एट पॉइंट फाइव थ्री जीरो इंटू फाइव रुपीज करना एट पॉइंट फाइव थ्री इंटू फाइव फोर्टी टू पॉइंट और अभी टेंथ ईयर का फैक्टर चाहिए टेंथ ईयर को एन्य नहीं बोलते टेंथ ईयर का चाहिए मतलब उस साल का थ्री परसेंट थ्री परसेंट फॉर टेन ईयर पॉइंट सेवन फोर फोर यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी या एनपीवी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आना चाहिए तुमको थर्टीन पॉइंट थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव हर एक को समझा गया थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट प्रेजेंट वैल्यू ईयर वन वन जीरो थ्री पॉइंट फोर ये पॉजिटिव आया था नेगेटिव आया था ऊपर पॉजिटिव आया था नेक्स्ट अभी वन डैश टेन फाइव परसेंट पे वन डैश टेन फाइव परसेंट पे एन्यूटी फैक्टर इज सेवन पॉइंट सेवन टू टू समझा ना तुमको फाइव परसेंट पे टेन ईयर का एन्यूटी फैक्टर मल्टीप्लाई कर किससे मल्टीप्लाई करेगा एट फाइव से मल्टीप्लाई करेगा फाइव इंटू सेवन पॉइंट सेवन टू टू थर्टी एट पॉइंट सिक्स वन और फिर आएगा पॉइंट सिक्स वन फोर 61. सिक्स निगेटिव जाना चाहिए हमने तीन से पांच पे गए तो प्रेजेंट एनपीयू शुड कम डाउन ना थ्री पॉइंट थ्री नाइन निगेटिव आंसर इज बिटवीन दिस टू इंक्रीज इन रेट इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट हमने डिस्काउंट रेट कहां से कहां लेके गया थ्री परसेंट से हमने डिस्काउंट रेट लेके गए फाइव परसेंट पे थ्री टू फाइव इज टू परसेंट जंप थ्री टू फाइव इज टू परसेंट जंप डिक्लाइन इन एनपीवी डिक्लाइन इन एनपीवी थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव से हम निगेटिव पे चले गए बोलो आंसर सेवनटीन पॉइंट जीरो फोर से एनपीवी क्या हो गया डिक्लाइन हो गया बेटा और फिर हमें कितना डिक्लाइन चाहिए थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव का डिक्लाइन चाहिए हमें वी नीड अ डिक्लाइन ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव तो हम इधर करेंगे क्वेश्चन मार्क सो वी शुड हैव इंक्रीज द रेट बाय वन पॉइंट सिक्स जीरो टू देर फोर वाई टी एम इज इक्वल टू थ्री परसेंट प्लस वन पॉइंट सिक्स जीरो टू ट इज इक्वल टू फोर परसेंट फोर पॉइंट हा ना फोर पॉइंट सिक्स टू आई से एक आंसर चेक करने लेना फोर पॉइंट सिक्स जीरो टू सही है ऊपर वाले में ये वन माइनस थी इधर का कोई? नहीं लिया ना उन्होंने ये तो सही आएगा एक सौ सब कुछ सही आया होगा सिर्फ ये हा ने इधर क्या नहीं किया वन माइनस टी मल्टीप्लाई नहीं किया इधर ये वाला पार्ट ये हो क्या रहा है पहले ट्रांसपेरेंट आता था पहले कुछ तो अलग ही आ रहा है ना ठीक है आ, t ने नहीं किया आई कैन डू नथिंग इलेवन पॉइंट वन थ्री आईसीए मॉडिल में लिखा है उन्होंने कि आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो इंस्यूट ने ही खुद लिखा है तुम तुम्हारा मॉडिल जाके चेक कर सकता है डाउट उन्होंने कहां पे 18 ले लिया अच्छा ये भी उन्होंने 18 ले लिया अच्छा ये 32.5 सब कुछ सही है ना हाँ तो ये नहीं फॉलो किया वही तो मैंने बोला था ना ये फॉलो नहीं करना चाहिए मैंने भी बोला था ना दैट इज करेक्ट सिर्फ इधर इंस्यूट ने वन माइनस टी नहीं लिया है हमने पूरा डिटेल में अगर आपने कॉन्सेंट्रेट किया इट्स ऑलमोस्ट थ्री आवर्स थर्टी मिनट्स आई थिंक रिकॉर्डिंग का टाइम अगर देखो थ्री आवर्स ट्वेंटी थ्री मिनट्स का रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा शुरुआत थ्री आवर्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स ट्वेंटी सिक्स मिनट्स सारे कंसेप्ट कोई हमने फालतू का टाइम पास नहीं किया सारा डेप्थ के अंदर हर एक चीज़ कवर अप किया है अगर आप ऑब्जर्व करोगे इफ़ यू आर गॉन थ्रू ऑल द मैराथन लेक्चर्स और द रिविजन लेक्चर्स कॉस्टिंग का मैंने आपको शेयर किया है या बी मैं एफ एम करेगा अकाउंट्स के बात करेंगे यू विल एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग यू हैव इनफ टाइम इफ यू आर लैकिंग इन अंडरस्टैंडिंग आपका स्पीड कम है या आपको डर है तो आपको टाइम पढ़ाई का ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर आप वीक हो किसी चीज में बहुत सारे बच्चे है जो वीक है लेकिन बच्चे को ना झटके पट आ, आ, आउटकम चाहिए तुमने अगर देखा कल बच्चों ने देखोगे इतना टाइम लगा रहे आज बच्चे लगभग लगभग तीन सौ बच्चे कम हो गया आज क्यों उनको लगता है यूट्यूब पर हम बाद में देखेंगे कभी नहीं देखोगे बच्चों को लगता है अरे तुमको मैं ऊपर से भी उड़ा सकता हूं मेरे को अगर फॉर्मेलिटी करके ही लेना है तो मैं ऊपर से भी उड़ा उड़ा सकता हूं मैं और चार दिन उधर गंगा किनारे रुक सकता था हाँ सर मेरे को बैच नहीं था कुछ नहीं था लेक्चर नहीं मेरे पास तुम्हारा यही एक ही लेक्चर है पूरे दिन में दूसरा कोई लेक्चर भी नहीं है मेरे को बट द प्रॉब्लम दैट आई सी इन द सी ए कोर स्टूडेंट देट दॉन्ट टू एंजॉय द प्रोसेस आई नो इट इज ट्रामाटाइजिंग इट इज वेरी लेट्स ए हार्ड वर्क बट वट इज योर एज योर एज इज सेवनटी एटीन ईयर ओल्ड किड्स नाइनटीन ईयर ओल्ड किड्स हैल्ल किड इफ आर नोट गोई टूट वर् हार्ड एट डिस पर्टिकलर एज एंड यू वॉन्ट आउटकम वेन इट इज गोई टू बी पॉसिबल है सर मेरा तो इतना रेगुलर में भी नहीं सिखाया था अरे <laughs> वही तो बोलता हूँ ना कुछ अरे लोग नहीं सीखे बेटा ये मेरे मेरे भेर तुमने अगर ऑब्जर्व किया जो बच्चे रेगुलर में सुने हो गए ये मेरा बहुत शॉर्टर क्रिस्प वर्जन है मैं इससे भी क्रिस्ट चाहिए तो मैं कर सकता हूं मेरे पास वो भी रिकॉर्डेड है मिनट का इट्स इट्स अप टू यू लाइक बच्चे को समझ में आना चाहिए प्रोसेस क्या है है अ वेरी और बच्चा फिर बोलता इंस्ट्यूट इंस्टीट्यूट की गलतियां है वो भी मैंने आपको बोली लेकिन आप उनको मैनेज कर सकते हो यार ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे जो फेल होते हैं ना वो इंस्टीट्यूट की वजह से होते हैं परसेंटेज बिकॉज क्या है ना इंस्टीट्यूट की गलती हो गई वो आठ पेपर में से या छह पेपर में से एक दो पेपर को हो सकती है छह के छह पेपर को नहीं होते ना बोल सर वही एक दो पेपर में फेलते थोड़ा ज्यादा मार्क्स करो यार इट्स अप टू यू डाउट ऑन द क्वेश्चन सर सेकंड पार्ट पार्ट में में समझा फर्स्ट मैंने माती खाया वापस करना पड़ेगा हा? तो क्या फर्स्ट फर्स्ट पार्ट पार्ट में में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने उसको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है अप्रोक्सीमेट अप्रोच से लेकिन उसके लिए रिडम्शन वैल्यू नहीं दिया उसने रिडम्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है वो शेयर का प्राइस निकालना पड़ा और फिर आपने शेयर का प्राइस निकाल के कॉस्ट ऑफ डेट निकाला राइट कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें? हर रोज पढ़ाई करो कॉन्सेंट डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आता है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो ना तुम ले ये जो ना इन माय पर्सनल ओपिनियन ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट ये चीजें ना बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है दीज आर ऑलवेज वेरी वेरी पर्सनल हाउ टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी हाउ टू रिमेन स्ट्रेस फ्री हाउ टू मैनेज अ स्ट्रेस ये जो तो चीजों के सोल्यूशन है ना प्लीज प्लीज ट्राई टू फाइंड एम इंटरनली रादर देन गोइंग टू संदीप माहेश्वरी और अभिषेक जावरे और एनी वन एल्स आई एम नॉट सिंगल टू संदीप महेश्वर वो बहुत बड़े आदमी है yeah, जो भी है लेकिन इट इज ओवर हाइप उसको यूट्यूब से मतलब जो भी उनको मोटिवेशन करना है जो भी करना उनको बहुत सारा करना बट टू मच ऑफ मोटिवेशन इज ऑफ नो यूज यू कैनोट गेट अ मोटिवेशन और सोल्यूशन टू यूर पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स बाय लुकिंग एट अ जेनरिक सोल्यूशन कंसिस्टेंसी कैसे करना? तेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम तू आइडेंटिफाई कर तू सॉल्यूशन ढूंढ ले पचास साल पहले यूट्यूब था क्या नहीं था ना तब लोगों को प्रॉब्लम नहीं आते होंगी ये आते होंगे ना तब लोग कैसे सोल्यूशन ढूंढते होंगे? वो सोचो

कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें विवेक वो यूनिवर्सल नहीं है वो पर्सनल इश्यू है यार तो वो जनरिक नॉलेज झाड़ना है वो तो मेरे से नहीं हो सकता यार वो संदीप माहेश्वरी जी या हमारे मोदी जी के लेक्चर ले रहे हैं आजकल परीक्षा पे चर्चा करते हैं मोदी जी उनके लेक्चर सुन लीजिए ले सर आप एडवांस अकाउंट के लेक्चर कब से लेंगे ये होने के बाद लेंगे कब से मेरे को नहीं मालूम दो तीन दिन में आ सकता है हा? So, should we go through the Bare Act for MCQ? Hey, bare Act for legal uh, chapters like law, income tax, and all these things. Even if you go through the bare provisions, it's okay. But you should have got a habit of reading the Bare Act from very early stage. Otherwise, at the end, suggest it is of no use. Bare Act is good when you are studying at the initial stages, not at the close to exam, right? So, tomorrow again we will meet at uh, three o'clock, same timing. Day after tomorrow timing will change. I will let you know tomorrow. Bye bye.